आई थिंक स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा तो बेसिकली स्टॉक मार्केट क्लास में आज क्या होगा सर? हम लोग आज बेसिक पढ़ेंगे। एक्चुअली हम लोग अभी जो स्टॉक ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो हिस्सा क्या है, टेक्निकल एंड बेसिक्स का डिस्कशन दो क्लास में किए, क्या दो क्लास में करेंगे, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डिस्कशन दो क्लास में करेंगे। वीक में चार क्लास है, मतलब इसका और बाकी करेंसी कमोडिटी जो लोग करते हैं उनका तो वीकेंड में सैटरडे को क्लास होता है या संडे को क्लास होता है। तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के लिए चार क्लास है, जिसमें दो क्लास बेसिक्स एंड टेक्निकल के लिए और दो क्लास फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए, या फिर मैं इसको एज पर द सिचुएशन कभी तीन क्लास फ्यूचर एंड ऑप्शन को कर देता हूँ, बेसिक्स टेक्निकल को एक कर देता हूँ। वो डिपेंड करता है क्या सिचुएशन चल रहा है क्लास के हिसाब से, मैं बता दूँ। अच्छा मतलब तो अगर ज्यादा बेसिक्स का डिमांड है, टेक्निकल का डिमांड है, तो फिर मैं एक क्लास बेसिक्स टेक्निकल पे ज्यादा कर देता हूँ। डिमांड इन द सेंस सर ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ट्रेडिंग करना है तो टेक्निकल का नॉलेज देना ही पड़ता है मुझे। तो इन दैट केस मैं फिर थोड़ा स्पीड अप करने के लिए एक क्लास एक्स्ट्रा कर लूँ, बाकी फ्यूचर एंड ऑप्शन का भी साइड बाई साइड चलता जाएगा। बिकॉज फ्यूचर एंड ऑप्शन में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए टाइम इसलिए लगता है बिकॉज फास्ट है, इट्स अ वेरी फास्ट टॉपिक। तो और मार्केट में भी जो लोग NISN का एग्जाम क्लियर करेंगे उनको भी NISN, मतलब विदाउट फ्यूचर एंड ऑप्शंस वो जॉब में नहीं जा पाएगा। मतलब जॉब में जाने का सबसे मैंने मेन क्राइटेरिया है आपको इक्विटी डेरिवेटिव क्रैक करना ही करना है, साथ में करेंसी कमोडिटी का भी साथ में जिसका रह जाएगा वो बहुत एडवांटेज मिलता है, और मार्केट में काम भी बहुत है जिनको NISN क्रैक करके जॉब में जाना है। जिसको जॉब नहीं करना है वो बस अपना ट्रेडिंग करे, मस्त रहे। जिसको जॉब नहीं करना है वो क्या करे, खुद का ट्रेडिंग डेवलप करते रहे और मस्त रहे, और क्या। हर किसी को थोड़ी ना जॉब करना है, कितना एजेड लोग भी हैं जो रिकॉर्डिंग वगैरह लेता है उनको जॉब थोड़ी करना होता है, वो बस अपना मस्त पढ़ाई करते रहते हैं, मार्केट को समझते रहते हैं और अपना ट्रेडिंग करते रहते हैं। अब आप लोग जैसे यूथ, इनको थोड़ा मार्केट को देखना भी है, जानना है, उनको थोड़ा चाहिए होता है। अच्छा बेसिक्स लेवल में मैं आज आपसे क्या बात करूंगा, सुनते पारछीस ना, क्यों सुनते बच्चे ना, नंदन आवाज आसछे ना, हेलो। हाँ কাউন আসছে আসছে, দেবপ্রিয় বলছিস কিছু শুনতে পাচ্ছে না, সেটা জয়েন। ওকে মেসেজ করে দিতে একটু নন্দন পারিস তো, রিজয়েন করতে মনে হচ্ছে ও কিছু তখন সেই সাউন্ড পায়নি বলে ও বেরিয়ে গেছে। এবারে আই থিঙ্ক ঢুকলে পাবে, মনে হচ্ছে লাইসেন্স ইস্যু করতে হবে, কারণ অ্যাজ এ গেস্ট দেখছি খুব প্রবলেম হচ্ছে। যাদের যাদের লাইসেন্স আছে ঠিক আছে, যাদের লাইসেন্স এখনো অ্যাসাইন করা হয়নি তারা খুব সমস্যায় পড়ছে দেখছি। আচ্ছা বেসিক্স মে না, আজ মে আপলোগো আইপিও মার্কেট কে বারে মে প্রপার আইডিয়া হ্যায় স্যার, চলো মে বাতাউঙ্গা। আজ আচ্ছা লাস্ট ক্লাস বেসিক মে ক্যা হুয়া থা याद है क्या? क्या कंपेयर किया था बोलो, तो बोलो बेसिक्स में क्या हुआ था? लास्ट वीक बेसिक्स में मैं आप लोगों को ये बताया था कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आप को क्यों पछतावा होता है। मतलब काफी लोग बोलते हैं ना कि मुझे मार्केट मार्केट में नहीं आना है, ठीक है, वो FD पोस्ट ऑफिस सेविंग्स इसी के पीछे पड़ा रहता है, तो आप उसको कैसे समझाओगे कि मार्केट का बेनिफिट कैसे समझाओगे? या तो देखो पहले तो खुद समझो, फिर ना किसी और को समझा पाओगे। इंसान खुद ही नहीं समझ पाता तो फिर किसी और को क्या समझाएगा। सर आपको हिंदी में कोई दिक्कत तो नहीं है? बेसिक हिंदी है एकदम, तो नॉर्मल शाहरुख खान वाला हिंदी। अच्छा नाउ क्वेश्चन इज दैट सर, कि स्टॉक मार्केट बेसिक्स में हम लोग लास्ट वीक ये बात किए थे कि वाई शुड वन इन्वेस्ट, क्यों किसी को इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर वो नहीं करेगा तो उसको क्या प्रॉब्लम हो सकता है। इवन इसका मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं, कोई थ्योरिटिकल बात नहीं, कैलकुलेशन पार्ट हुआ था। इवन आपको मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके ये दिखाया था कि किस तरह से आप कैलकुलेट करके मैंने बेसिकली करोड़पति बनने का सिंपल रास्ता मैं आपको समझाया था। सर करोड़पति केबीसी में थोड़ी जा रहे हैं,
हाँ सर, केबीसी में नहीं जाओगे तो भी करोड़पति बन सकते हो। डिसिप्लिन वैसे बना जा सकता है। इंसान का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग डिसिप्लिन नहीं हो पाते। प्रॉब्लम ये है ना सर, महात्मा गांधी की जगह में डायलॉग में बोलते हैं बोलते हैं कि डिसिप्लिन मेक्स ए मैन परफेक्ट। नहीं, ऐसे महात्मा गांधी बड़ा डिसिप्लिन इंसान थे। मैं पर्सनली उतना उनका आइडियोलॉजी पसंद नहीं करता, काफी लोगों को पसंद है, बट मैं पर्सनली उनका आइडियोलॉजी समझ नहीं पाया। सर क्यों? सर बात करेंगे, कंट्रोवर्सी है। द पॉइंट इज दैट कि सर यहाँ पर हम लोग एक डिस्कशन किए थे, सिंपल डिस्कशन था कि भाई अगर आप 50,000 मंथली कमाते हो, ज्यादा नहीं, एक एवरेज इनकम दिया गया था, 50,000 मंथली कमाते हो, तो आप 50,000 में से अगर मानो 30,000 तुम्हारा एक्सपेंस है, तो 50,000 में से अगर 30,000 तुम्हारा एक्सपेंसेस है तो फिर सेव कितना कर लेते हो? 20,000 तुम्हारा सेविंग्स है। यही सेविंग्स का पैसा कोई ना आप मार्केट में ट्रेड के लिए लाओगे या इन्वेस्टमेंट के लिए लाओगे। बात समझे सर? तो हम लोग यहाँ पर पहले स्टार्ट किए, सोचे थे कि अगर बंदा ये 20,000 टका जिसको बच रहा है, जिसका सेविंग हो रहा है, वो अगर ये 20,000 टका मार्केट में नहीं लाता है या फिर कहीं पर भी पैसा रखता नहीं, इवन बैंक में भी नहीं रखता, सिंपल तरीके से बैंक या पोस्ट ऑफिस में भी अगर वो ये पैसा को जमा नहीं करता है। मैंने तो बाद में एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप म्यूचुअल फंड में भी कम से कम रखते हो तो आप कितना रिटर्न कमा सकते हो। स्टॉक मार्केट में मैं बात नहीं किया था, मैं बस एक म्यूचुअल फंड का एग्जाम्पल दिया था। तो 20,000 टका सेविंग करके आप कितना पैसा कमा सकते हो, इसका एक डिसिप्लिन तरीका मैं आपको समझाया था। और ये अगर 20,000 आप मंथली सेव करते हो तो ना मार्गो दो, यदि 20,000 टका मंथली सेव करी तो बछरे कत टाका सेव करो? 20,000 × 12 कत है? 2,40,000। তাই তো একটু ক্যালকুলেশন একটু মাথায় আনতে হবে ফটাফট। হ্যাঁ, চেষ্টা করতে করতে হয়ে যাবে, নোট ভাই। তো স্যার 2,40,000 আপ মন্থলি সেভ কর, মন্থলি নেই অ্যানুয়ালি সেভ কর সকতে হো, হ্যাঁ না? তো আগে 2,40,000 আপ অ্যানুয়ালি সেভ করতে হো, নাও কোয়েশ্চন ইজ দ্যাট ইয়ে 2,40,000 অ্যানুয়ালি তোমারে সাথ মে এন্ড অফ দি ইয়ার ব্যালেন্স পড়া হ্যায়, ঠিক হ্যায়? আচ্ছা, কোই বোলেগা স্যার হম এন্ড অফ দি ইয়ার মে ইয়ে 2,40,000 কো লেকে ক্যা করেঙ্গে? मेरे पास अगर मंथली जमा होता जाएगा तो मैं मंथली रिकरिंग डिपॉजिट करता रहूंगा, मुझे इंटरेस्ट ज्यादा मिल सकता है। हाँ ठीक है, आप वो भी कर सकते हो। आरडी समझते हो कि नहीं समझते? आरडी कॉन्सेप्ट एक होता है ना, बैंक में भी होता है रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है? बैंक में जाओगे तो आपको बैंक बोलेगा कि सर एक आरडी कर लीजिए एफडी की जगह। उसमें क्या है कि तुमको एफडी क्या होता है, एक लमसम अमाउंट बैंक में डालने से एफडी होता है, फिक्स डिपॉजिट। आरडी क्या होता है कि तुम अपना टोटल एवरी मंथ के सेविंग्स का पैसा एक फिक्स डिपॉजिट के तरह ही एक डिपॉजिट अकाउंट होते हैं, उसको रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। बट उसमें जैसे नॉर्मली मानो तुम्हारे पास 5 लाख है तो बैंक बोलते हैं 5 लाख का एफडी कर लीजिए। लेकिन आरडी में क्या होता है कि तुम 10,000 मंथली सेव करते हो तो एवरी मंथ जाके तुम 10 10 10 10 करके जमा करोगे। एलआईसी का प्रीमियम भी तो इसी तरह का चलता है, हर मंथ तुमसे एक अमाउंट लेके जाता है। सिमिलरली बैंक का एफडी भी, आरडी भी ऐसे चलते हैं। तो आप वैसे भी कर सकते हो। आजकल जो म्यूचुअल फंड चल रहा है एसआईपी, वो भी तो इसी कॉन्सेप्ट में चलता है, एवरी मंथ आप एसआईपी का पैसा देते रहते हो, नहीं है सर? मिनिमम 500 टका, इवन 100 टका का भी आजकल एसआईपी आ गया, नहीं 100 का भी है, सर 100 का भी एसआईपी है, कुछ कुछ है, वो कंपनी टू कंपनी डिफर, ठीक ठीक है? 100 रुपया का भी एसआईपी आ गया है, सो वो अलग बात है सर। तो अब कुछ, हाँ बोल, कहाँ तो 10 टका रहा चाहिए, दस टका कौन कंपनी ना ग्रोथ है आज बोल चाहिए, 10 टका एसआईपी, वाह। और हाँ, एडवर्टाइजमेंट होता है 10 रुपए में सही में, एडवर्टाइजमेंट भी होता है। सो नाउ क्वेश्चन इज दैट सर, सुनो सुनो, देखो जो चीज समझ रहे हो ना, इतना समझो कि किसी और को समझा पाओ। मेरा सिंपल तरीका है कि आगे जाके आप खुद भी करो और दूसरे को भी कराओ। ये चीज करने के लिए आपको खुद पहले इतना नॉलेजेबल होना पड़ेगा कि तब आप किसी को भी समझा पाओ, इवन एक बच्चा को भी फाइनेंशियल एडुकेशन दे पाओ। स्टार्टिंग में बड़े लोगों को समझाने में दिक्कत हो सकता है, बट बच्चा लोगों को तो समझा सकते हो, जो क्लास 5 6 में पढ़ता है, 3 4 में पढ़ता है, समझाओ लोगों को कि भाई तुमको सेविंग्स क्यों करना चाहिए। साउथ इंडिया में कितना ग्रोथ है आप समझ भी नहीं सकते, बच्चे लोगों का फाइनेंशियल एडुकेशन का। गवर्नमेंट बोला है कि क्लास 1 से चालू करेगा फाइनेंशियल लिटरेसी का पढ़ाई, तो वो यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना देश में, लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। और जितना फाइनेंशियल नॉलेज ग्रो करेगा ऑटोमेटिकली मार्केट में
ये स्टॉक मार्केट भी ग्रो करेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगा, कैपिटल मार्केट ग्रो करेगा। हाँ मतलब लोगों को नॉलेज होगा, ग्रो मैंने क्या, देखो पैसा आएगा सिर्फ इतना बात नहीं है, पब्लिक का पैसा, पब्लिक अगर बिना सोचे बिना समझे कहीं पर भी पैसा लगाएगा तो उसका लॉस हो जाएगा, तो वो दोबारा नहीं आएगा। बात यहाँ समझने वाला बात है सर, आप अगर बिना नॉलेज का किसी भी जगह में जाके कोई अगर तुमको बोल दे कि यहाँ पैसा लगाने से पैसा बढ़ता है, तुम्हारे पास बहुत होगा तो तुम एक आध पैसा लगा के रिस्क ले सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास ज्यादा कुछ है नहीं और तुमने सोचा कि हाँ थोड़ा जल्दी बड़ा होना है, रिच होना है, तुम कहीं पर भी पैसा रिस्क लेके लगा दिया। मुश्किल क्या होता है कि वहां पर जब तुम लॉस खा जाओगे एक बार, तो फिर तुम खुद भी नेगेटिव हो जाओगे और दूसरे को भी बताओगे भाई इस मार्केट में कभी आना ही नहीं। इस तरह से काफी केस में हमारे बंगाल के लोग फंसा है, बंगाल ओडिशा आसाम के लोग चिट फंड भूल के एक फंड में, शारदा रोज वैली जैसे स्कैम में फंसा है, चिट फंड में बहुत लोगों का पैसा फंसा है, लोग डर के मारे अभी कहीं पर भी, मैं शेयर मार्केट का बात करने जाते ना, नहीं नहीं बहुत गया है ये सब, बात भी मत करो अंकल के सामने, मानो किसी का आंटी को समझाने जा रहे हो, ठीक है अब आंटी बोलेगा अंकल के सामने तो बात भी मत करो, जाओ यहाँ से निकल जाओ यहाँ से, मतलब इतना मन में गुस्सा भरा हुआ है। लेकिन देखो ये प्रॉब्लम क्या है, तुम किस बात का गुस्सा कर रहे हो, तुम एक फाइनेंशियल मार्केट को बिना समझे, तुमको कौन बोला था पैसा लगाने के लिए, कोई आके तुम्हारे घर के द्वार पे आके बोल दिया कि भाई यहाँ पैसा लगाने से पैसा डबल हो जाएगा तो तुम पैसा दे दोगे उनको? तुमको सीखना चाहिए था, जानना चाहिए था, अगर नहीं समझता पोस्ट ऑफिस में रख लेते अपना प्यारा पैसा, बैंक में रख लेते अपना प्यारा सा पैसा, क्यों किसी के बात में आके पैसा लगा, तुम्हारा पैसा है तुम्हारा मेहनत का है, किसी और को क्यों दोगे? अगर मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि ये स्टॉक खरीद लो इसमें ज्यादा पैसा आएगा तो तुम लोग खरीद लोगे, एनालिसिस नहीं करोगे तो फिर सीखने क्यों आते हो? अगर टिप्स लेके ही करना था फिर सीखने आने का जरूरत क्या था, टीवी में तो हजारों लोग बात कर रहे हैं। तो इंसान को थोड़ा सा तो नॉलेज होना चाहिए, एटलीस्ट पोस्ट ऑफिस नॉलेज, बैंकिंग नॉलेज, मैं नॉर्मल लोगों का बात करूँ, आप लोग न्यू जनरेशन के बच्चे लोग हो, आप लोग थोड़ा ज्यादा जानोगे मार्केट को जानोगे, तो सिंपल सी बात है सर, पढ़ाई इसलिए करना चाहिए ताकि खुद भी जानो और दूसरे को भी बताओ। चलो सर बात में आ जाते, तो 20,000 टका 12 महीने का आप जमा कर रहे हो तो 2,40,000 आपका हर साल आपको यहाँ पर मिलेगा। और इसमें ये जो एक एग्जाम्पल था इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था सर, कि आप ये सिचुएशन हम लोग डिसाइड किए थे कि आप एक ऐसे जगह में काम करते हो, जॉब करते हो जहां पर आपका सैलरी हर साल 10% में इंक्रीज होता है, माने 50,000 करके अगर 12 महीना की इनकम करते हो सर, 50,000 करके 12 मंथ तो आपका 6,00,000 का इनकम होता है ना, और आप अगर एवरी ईयर आपका सैलरी ग्रो करता है तो 6,00,000 अगर इस साल है तो नेक्स्ट ईयर अगर 10% में ग्रो करेगा तो कितना हो जाएगा सर? 6,00,000 के 10% का तो है रे, एक बुझते बच्चे नहीं रहते, 6,00,000 का 10% 60,000 है ना, तो 6,00,000 का 10% 60,000, तो तुम्हारा 60,000 में इनकम बढ़ जाएगा। और ये एक्सपेंस देखो चेंज हो गया ना, ये एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट ये लास्ट क्लास में डिटेल्स में मैंने बताया था, अभी जस्ट मैं इसको रिवाइज करा रहा हूँ रिकॉल कराने के लिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा मैं सिंक पे ला दूँ, सिंक मैंने थोड़ा लास्ट क्लास के साथ थोड़ा कनेक्टिविटी जुड़ जाए। 3,88,000 कहाँ से आया था कि तीन, ये 8% एक्सपेंसेस एवरी ईयर ग्रो कर रहे हैं, इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन माने, इन्फ्लेशन माने बांग्लादेश वाले मूल्य वृद्धि, बांग्ला में बोलता है मूल्य वृद्धि, हिंदी में बोलते हैं महंगाई, ठीक है। तो इन्फ्लेशन का क्या होता है कि आप चाहो ना चाहो इन्फ्लेशन तो रहता है, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन रहना भी चाहिए, 2%, 3%, मैक्स टू मैक्स 5% तक इन्फ्लेशन कंट्रोलेबल है, 2-3% तो बहुत ही अच्छा होता है इकोनॉमी के लिए। सर इन्फ्लेशन अच्छा है? हाँ सर, पहली बार सुन, किसी किसी को ऐसा लग रहा है, हम लोग तो बचपन से सुने इन्फ्लेशन अच्छा नहीं है, लेकिन सर इन्फ्लेशन अच्छा है, एक सर्टेन लेवल तक इन्फ्लेशन अच्छा है। अच्छा, चीज़ों का दाम कम हो जाओगे, अगर अपने आप को ना एक दुकानदार की तरह सोचो, दुकानदार माने बिजनेसमैन, दुकानदार इस साल कोई प्रोडक्ट जिस दाम पे बेच रहा है, नेक्स्ट ईयर अगर उस प्रोडक्ट को बेच के उसको थोड़ा ज्यादा पैसा नहीं आएगा उसको अच्छा लगेगा। मानो कि इस साल तुम ये वाला मोबाइल सिमिलर काइंड ऑफ मोबाइल 10,000 में बेच रहे हो, नेक्स्ट ईयर तुम इस मोबाइल के लिए 10,000 टका ही रखोगे, कम से कम 500 टका बढ़ाओ एटलीस्ट, कुछ नहीं तो, थोड़ा बहुत ये इन्फ्लेशन ही हुआ ना। हाँ सर, तो लिटिल बिट इन्फ्लेशन इज ओके फॉर द कंट्री एंड ओके फॉर द इकोनॉमी, बट अगर इसका और भी डिटेल्स का मतलब कॉन्सेप्ट है, मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, वो इकोनॉमिक्स क्लास में बात करना पड़ता है मुझे, इन्फ्लेशन बढ़ना क्यों चाहिए, ठीक है, क्यों लिटिल बिट इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द कंट्री, ये सब डिस्कशंस में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ सर, ठीक है।
लेकिन अगर मानो कि इसका दाम अगर कम हो जाता है, इन्फ्लेशन का उल्टा क्या होता है, डिफ्लेशन होता है। मानो 10,000 का फोन इस बार 10,000 का दाम है, नेक्स्ट ईयर इसका दाम मानो 9,000 या 9,500 हो जाएगा, तो फिर दुकानदार को अच्छा लगेगा। तो ये सप्लाई कॉन्सेप्ट पे, मतलब बिजनेसमैन माने सप्लाई कॉन्सेप्ट, माने वो सप्लायर है ना, बिजनेसमैन जो है, बिजनेसमैन सप्लाई करता है, तो सप्लायर कॉन्सेप्ट में अच्छा बात नहीं है सर। इसीलिए इकोनॉमी हमेशा एक बैलेंस करके चलता है, चीजों का दाम गिर जाना अच्छा बात नहीं है, उल्टा ग्रो करना ही अच्छा, लोगों का इनकम भी ग्रो करे, प्रोडक्ट के दाम पे भी थोड़ा थोड़ा करके ग्रो करे, लेकिन इतना भी ना ग्रो कर जाए कि लोगों का इनकम नहीं ग्रो कर रहा है उसके हिसाब से चीजों का दाम बढ़ जा रहा है, ये खतरा है। मतलब इनकम ग्रोथ के साथ साथ अगर चीजों का दाम बढ़े, इट्स एडजस्टेड, नो इश्यू विद दैट। इसीलिए जो लोग जॉब करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज में, उनको एक डीए मिलता है, डीए इस डीए को लेके रिसेंटली धरना में बैठा था पश्चिम बंगाल सरकार के एम्प्लॉय लोग धर्मतला में, अभी भी बैठा हुआ है शायद कोई कोई टीचर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट डीए नहीं दे रहा था, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट डीए कैसे देगा, वो तो सब श्री श्री में खर्चा कर दे रहा है ना तो डीए नहीं दे रहा है। अच्छा, डीए देना मैंडेटरी है क्या सर? एज पर लॉ डीए देना मैंडेटरी नहीं है। अब स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे एम्प्लॉय को मिल रहा है, हम लोगों को क्यों नहीं मिलेगा, तो उनका भी सही है। डीए क्यों देता है? डीए इसलिए दिया जाता है, आपका जो बेसिक सैलरी है उसके साथ डीए को ऐड करके आपका सैलरी होता है। हाँ हाँ, टैक्स में पड़ा है, एकदम एक्साइटेड हो गया, बेसिक प्लस डीए। तो डीए जो है ना सर, डीए को बंगाली में बोलते हैं मुहार्गो भाता, शायद ये लैंग्वेज कभी बंगाली लोग भी नहीं सुना, वो देखो सबका सुना, चलो ये अच्छा भैया बंगाली सुना है, मुहार्गो भाता, भाता भाता माने अलायंस, ये सब बंगाली ये लोग भी नहीं सुने, कोई बात नहीं सर, मैं भाषा का क्लास थोड़ी ले रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो ये जो अलायंस है सर, या मुहार्गो भाता है, बेसिकली डीएनएस अलायंस, चलो जो समझ में आते हैं वही सर। डीएनएस अलायंस इसलिए दिया जाता है ताकि आप इन्फ्लेशन को लड़ पाओ। ये जो हर साल 5% 6% इंडिया में एवरेज इन्फ्लेशन रहता है, इसके साथ अगर आपको कोप अप करना है, लड़ना माने कोप अप करना, मैंने एडजस्ट करना, मैंने चीजों का दाम बढ़ाया, मेरे पास पैसा है, मैं खरीद सकता। मानो आप इस साल बैठ के सोच रहे हो कि मुझे नेक्स्ट ईयर BMW लेना है, अच्छा चलो BMW ज्यादा हो गया होंडा सिटी लेना है, कितना दाम है? 13 लाख। चलो आप सोच रहे हो कि मुझे नेक्स्ट ईयर या 2 साल बाद होंडा सिटी लेना है, तो होंडा सिटी एक 13 लाख के आसपास का एक कार है। तो अगर मानो इस साल आपका इनकम जो हालत में है, अगर आपका कंपनी या आपका बिजनेस आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम हर साल नहीं दे पाता है, उल्टा कम हो जाएगा, तो फिर होंडा सिटी नहीं ले पाओगे, 10 लाख मतलब 2-3 लाख शॉर्टेज हो जाएगा। इसीलिए चीजों को थोड़ा बैलेंस करना होता है कि थोड़ा थोड़ा इनकम आपका भी ग्रो हो, थोड़ा थोड़ा इनकम प्रोडक्ट का भी ग्रो हो, ये ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट चलता है। इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो और नॉलेज मिलेगा। अब मैं ज्यादा देखो स्टॉक मार्केट में ज्यादा इकोनॉमिक्स बोलूंगा तो फिर आप ही लोग 2 मिनट बाद बोलोगे सर ये स्टॉक मार्केट कहाँ है, आप तो इकोनॉमिक्स में ही लटके हुए हैं। ठीक है, तो मैं अभी निकल जाऊंगा स्टॉक मार्केट में, इकोनॉमिक्स से निकल जाऊंगा, लेकिन क्या है सर, ये सारा इम्पैक्ट इकोनॉमिक्स का है, इसलिए बोलना पड़ता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन ये है सर कि 2,40,000 ये जो यहाँ पर आपका खर्चा था, 10% में आपका इनकम ग्रो कर रहा था, और हम लोगों ने ये माना था कि 8% में आपका महंगाई ग्रो कर रहा है। महंगाई माने हर साल चीजों का दाम 8% में ग्रो कर रहा है, माने आज अगर कोई प्रोडक्ट 100 में मिलता है तो नेक्स्ट ईयर इसका दाम 108 हो जाएगा। महंगाई को दो हिसाब से सोच सकते हैं, देयर इज अ टू कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड दी महंगाई। हाउ? 100 का चीज 108 हो जाएगा, इससे भी महंगाई बोला जा सकता है, या फिर इसको दूसरे एंगल से भी सोचा जा सकता है। क्या एंगल है सर? कि आज अगर आपकी पॉकेट में 100 रुपीज है, ध्यान से सुनना, आज अगर आपके पॉकेट में 100 रुपीज है और अगर 8% का महंगाई चल रहा है, मैंने चीजों का दाम 8% में महंगाई हो रहा है, इसका मतलब आपके पॉकेट में एक साल बाद रहेगा तो 100 रुपीज, बट उसका वैल्यूएशन हो जाएगा 92। देखने में जो 100 है वो 100 नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू 8% कम हो गया है, क्योंकि अगर आज 100 रुपीज में जो चीज आप खरीद सकते थे, नेक्स्ट ईयर जाओगे वही 100 रुपीज से आप देखोगे कि वो 100 में नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका 100 एक्चुअली 100 नहीं है, वो 92 है, आपको और 8% कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा। अगर आपका एम्प्लॉयर अच्छा है, आपको दे दिया है, सैलरी इंक्रीज किया है, आप खुश हो, और अगर पश्चिम बंगाल सरकार की तरह है आप धरना में बैठ जाओ,
एग्जाम्पल देखो जो रियल में दिख रहा है मैं वो बता रहा हूँ, कोई क्रिटिसाइज करना किसी को छोटा बड़ा बताना ये बात नहीं है, मैं आपको रियल इकोनॉमिक हकीकत जो दिख रहा है मुझे मैं वो बताता हूँ। मुझे किसी को क्रिटिसाइज करने का ऐसा कोई इरादा नहीं होता है, जो मैं खराब अच्छा भरा जो देखूंगा मैं बोलूंगा, बाकी आप लोगों का अपना अपना है, कोई पॉलिटिकल सपोर्ट के ऊपर भी मैं बात नहीं करता। हाँ जो ठीक लगता है मैं वो बोलता हूँ, वो अलग बात है, कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है, आप सोचोगे तो कॉन्ट्रोवर्सी। अच्छा नो पॉइंट इज दैट ये जो 240 आपके पास रिटर्न हुआ था, 240 कैसे 20-20 करके, फिर नेक्स्ट ईयर आपके पास 271,200 आ गया था, क्यों? क्योंकि सैलरी इंक्रीमेंट हुआ था और एक्सपेंस भी थोड़ा चेंज हुआ था। इस तरह से हर साल पैसा जमाते जमाते जब आपका एज 50 साल हो गया, यहाँ पर हम लोगों ने क्या माना था कि आपका एज 30 है, ठीक है, अब ये 30 साल के उम्र में आपने स्टार्ट किया और जब आपका 50 का एज हो गया तब आप रिटायर करोगे। सर इतना जल्दी? हाँ सर, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, लक्षद्वीप घूमने जाना है ना सर, मोदी जी जा रहे हैं लक्षद्वीप, आप भी जा, ठीक है, तो उसके बाद रिटायरमेंट के बाद क्या घूमोगे, जैसे ये बनारस घूम के आए बिना रिटायरमेंट के, तो 50 साल बाद आप सिर्फ घूमोगे, जैसे अभी बीच बीच में मौका मिलते निकलते हो, उस टाइम पे 50 के बाद फैमिली को सेटल कर दोगे, बच्चा लोगों को भी सेटल कर दोगे और सिर्फ घूमते रहोगे, ठीक है, ऐसा मान के चले, जरूरी नहीं कि सबका इक्वल हो, ऐसा मान के चले, कुछ तो अजम्पशन लेना पड़ता है ना सर, धारणा, किसी तो धारणा पे से चलता हो। तो अगर सारा पैसा जमा करते हो ठीक ठाक से तो एट द एंड ऑफ 20 इयर्स माने 30 से लेके 50 चलते चलते आपके पास 1.78 करोड़ बचा रहेगा, लेकिन इसमें आप अपना सारा इच्छाधारी नागिन की तरह सब त्याग दिए, ठीक है, सारा इच्छा त्याग कर दिया आपने एकदम, रिनाउंसिएशन, रिनाउंसिएशन माने छोड़ देना, ना घूमने जाना है ना कहीं लग्जरी कुछ भी, मतलब इवन घर घर को भी एक पेंट करवाना था एशियन पेंट्स के सबसे महंगा कलर से, वो भी छोड़ दिए, घर पे टीवी लेना था, फ्लैट टीवी लेना था, फ्लैट टीवी नहीं ले पाए, डब्बा टीवी में जिंदगी गुजारना पड़ा, ठीक है, बच्चा लोगों का एडुकेशन के लिए खर्चा करना पड़ता है, करना पड़ा, बच्चा लोगों को सरकारी स्कूल में पढ़ाए, अच्छा स्कूल में नहीं दे पाए, वगैरह वगैरह, ठीक है, आप अपना सारा इच्छा अगर मन के अंदर रख लेते हो और जस्ट गुजारा चल रहा है, जिसको हम लोग सो कॉल्ड कंजूस बोलते हैं, सो कॉल्ड कंजूस जिसको बोलते हैं, है ना, इसी लोग हम लोग कंजूस बोलते हैं ना, बहुत कंजूस है, एक टका खर्चा नहीं करता, अगर ऐसा करके चलोगे सब कुछ ठीक ठाक करके तो शायद 20 साल बाद आपके पास 1.78 करोड़ हो जाएगा, शायद मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतना कंजूस भी इतना कंजूस नहीं हो पाता कंजूस भी इतना कंजूस नहीं हो पाएगा, वो भी करने का सर, और आजकल जो दिखावा का जमाना है ना सर, कंजूस भी कंजूस नहीं रह पाता, अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, जैसे मानो अभी मेरे पास टूट गया ये एंड्रॉइड का मानो फोन है, ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ भाई मेरे जैसा सबके पास आईफोन है, मैं कब आईफोन लूंगा, मेरे अंदर मन में चलेगा, मैं कंजूस हूँ फिर भी मेरे मन में चलेगा, ऐसे मेरा इनिशियल कॉन्सेप्ट है मैं कंजूस हूँ, मेरे मन चलता आईफोन कब लेना है, ले ही लेते हैं चला यार, क्या जाएगा, एक ही तो जिंदगी है, एक आईफोन का शौक पूरा कर लेते, फिर कंजूस भी कंजूसी से निकल के आ जाता है मजाक से बोला सर, बात समझने के लिए सर, तो पॉइंट इज दैट ये 1.78 करोड़, अच्छा अब इसको मैंने लास्ट वीक एक कॉन्सेप्ट में डाला था कि अगर हमें थोड़ा जल्दी बनाना है ये पैसा, अच्छा 1.78 करोड़ आपको लग रहा है बहुत है, बट बिलीव मी जब आप, आज हम लोग कहाँ है, 2023 में है, पॉइंट ऑफ व्यू नॉट 24, सॉरी पीछे चल रहा हूँ, 2024 डाउन द लाइन 20 इयर्स माने कितना दिन, प्लस 20 करोगे तो 2044 में जो बंदा करोड़पति होगा ना वो आज का लाखपति के समान, ये बात भी आपको समझना पड़ेगा, उससे थोड़ा ज्यादा, बट जैसे मानो आज अगर कोई, हाँ मैंने आज अगर कोई 30-40 लाख का मालिक है, तो बात को समझे, आज अगर कोई 30-40 लाख का मालिक है, उस टाइम पे अगर उसके पास 1.78 करोड़ होगा तो वो सिमिलर काइंड ऑफ फीलिंग्स कर सकता है, थोड़ा कम ही होगा फिर से, मतलब बेसिकली आप बहुत रिच नहीं हो गए, क्योंकि 20 साल बाद सोचो ना, 20 साल पहले का सोचो, मैं उस दिन हिसाब कर रहा था कि 2003-04 में जब मैं खेलता था, क्रिकेट खेलता था थोड़ा, तो उस टाइम पे मैं बस में जाता था आता था, मेरे को घर से 10 टका मिलता था, 10 टका में बस का दोनों आने जगह जाने का खर्चा, एक होटल में
कहीं पर भी घुगनी रोटी या फिर कुछ तरह का खाने का जो भी मिलता था खाके फिर भी 2 टका बच जाता था, खाना भी हो जाता था। तो इसका, लेकिन आज अगर मेरे पास 100 रुपया भी होता है ना, आना जाना और खाने के बाद शायद बचेगा नहीं, उल्टा और 10 टका खर्चा हो सकता है। तो 10 टका का चीज अगर 10 गुना बढ़ गया है 20 साल में, मैं एग्जैक्टली 20 ईयर्स का बात कर रहा हूँ, 10 गुना, तो अब हिसाब लगा लो। अब वही मैं हिसाब आपको बताना चाहता हूँ कि आज अगर आपके पास 10 लाख है तो 20 साल बाद अगर आपके पास 1 करोड़ है तो मतलब सेम है। इसीलिए कभी फ्यूचर को, नॉर्मल लोग क्या होता है ना, वो सिर्फ फ्यूचर को सोचता है, लेकिन वो फ्यूचर को सोचने के टाइम पे ना एक्चुअली आपको प्रेजेंट वैल्यू सोचना चाहिए। ये मार्केट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द प्रेजेंट वैल्यू, ये कहाँ पता लगेगा? प्रेजेंट वैल्यू वगैरह कंडीशन से सिखाओगे क्या सर? ये स्टॉक मार्केट क्लास में सिखाने का मौका नहीं मिलता। इसके लिए मुझे आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही ये मैं सिखा पाता हूँ। इसका मेरा क्लास चलता है CACMA का, जो मेरा ट्यूजडे ट्यूजडे चलता है, उसमें मैं सारा यही सब बात करता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। कंपनी इन्वेस्ट करता है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है? आप पैसा लगाओगे इन्वेस्टर्स का, प्रेजेंट वैल्यू क्या है? इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। मतलब बेसिकली ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग सीखना चालू कर दो, बट हाँ, अगर किसी को जेन्युइनली फाइनेंस समझना है तो वो बिल्कुल सोच सकते हैं सीखने के लिए। ठीक है, चलो ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक डिस्कशन किया था कि सर 12% रेट में, 12% रेट में मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करना चालू किया। सर क्यों 12% ही क्यों? स्टॉक मार्केट तो इससे ज्यादा देता है। हाँ, स्टॉक मार्केट में आपको 15%, 20%, बहुत सारे स्टॉक है आपको मिल जाएगा। ठीक है, किसी किसी में तो 100% रिटर्न पे मिल जाएगा। ठीक है, रिसेंटली देख लो ना, अदानी का देख लो, IT स्टॉक देख लो, पेटीएम देख लो, लास्ट हाँ RBNL देख लो। ठीक है, फिर मोटिशंस वगैरह, काफी सारे स्टॉक्स में ग्रोथ हुआ है। सारा नाम लेते लेते मैं थक जाऊंगा, इतना ग्रोथ दिया है। ये क्लास चलते चलते ग्रोथ हुआ है सारे के सारे। हाँ, कितना दिन हुआ? तू शायद निफ्टी निफ्टी देख लो सर, निफ्टी देख लो, लास्ट 1 महीने में कहां से कहां गया, इन्फोसिस ग्रो कर गया। किया था ना कितना? तो हाँ, मतलब उस दिन भी किया था। ये देखो सर, सैटरडे था। ये देखो निफ्टी को ही देखो, निफ्टी बात करते करते 1 हफ्ता में कहां से कहां चला गया, 5 मिनट 5 मिनट में देखो ये लास्ट 5 दिन में कहां से कहां चला गया। 21,000 से, 21,400 से 22,109 में चला गया। तो स्टॉक मार्केट आपको इमेंस ग्रोथ दे सकता है अगर आप समझोगे तो। अब कोई बोलेगा सर ये बाई चांस हो गया, नहीं बाई चांस तो कुछ नहीं होता है, हर चीज के पीछे रीजंस है। बाई चांस कुछ नहीं है, अगर ज्यादा भी हो रहा है तो उसका भी कोई बाई चांस वाला मैटर नहीं है, रीजंस इज देयर। हाँ, अगर आप रीजन नहीं समझ पाते इसका मतलब ये नहीं कि वो रीजन है नहीं। काफी लोगों को लगता है सर कि अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है मतलब वो है नहीं। जैसे जो लोग भगवान नहीं मानते उनको लगता है मैं नहीं देखा तो फिर भगवान नहीं है। आपका नॉलेज को वो कभी नहीं कोसता है कि मैं हाँ नहीं, नहीं सर ऐसा क्या बात है, देखा है ना। ठीक है, काफी लोग देखा है। ठीक है, जो देखा है तभी ना भगवान, ये भगवान वर्ड कहाँ से आया? ये इंसान ना, हम लोग जिस तरीके का जिंदगी जीते हैं इस जिंदगी में, ऐसे लाइफस्टाइल में भगवान नहीं मिलता है। ठीक है, वो अलग तरह का नॉलेज है। जैसे जो आप सोचो ना, इसको समझने का एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, जो मार्केट के बारे में नहीं जानता वो मार्केट से जुआ बोलता है। हाँ यार, जो मार्केट के बारे में नहीं जानता वो मार्केट को जुआ बोलते हैं, लेकिन जो जान जाता है वो जुआ बोलता है इसको। सीमित नहीं, जो भगवान को देखा है, जो समझता है, उसको समझने का जो तरीका है, जो इसको समझ लिया वो कभी भी नहीं बोलेगा कि भगवान क्या है, नहीं है, काल्पनिक है, ऐसा नहीं बोलेगा। लेकिन अब इसका भगवान का मतलब एक्चुअली हम लोगों को लगता है कोई ऐसे मूर्ति होगा, ऐसा नहीं है। वो एक 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 अलग लेवल का पावर होता है, वो पावर महसूस करना होता है, वो अलग लेवल का एक स्पिरिचुअल नॉलेजेबल जर्नी है। जो उस पथ में चल पाएगा वो देख पाएगा, जो नहीं चल पाएगा वो नहीं देख पाएगा। हम नहीं देख पाए, हम एक साधारण सा इंसान है, हम हमारे जिंदगी का जो डेली का गुजारा है उसी में मेरा जिंदगी बीत जाता है। मैं क्या समझूंगा भगवान क्या चाहिए? मीराबाई से पूछो, है ना, रामकृष्ण परमहंस से पूछो, है ना, योगी से पूछो, किसी भी योगी से पूछो जो सच्चा योगी है वो जरूर जानता है कि भगवान क्या होता है। गौतम बुद्ध से पूछो, स्वामी विवेकानंद से पूछो, सर वो लोग तो नहीं है। ठीक है, सो चलो मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं यही चीज बता रहा हूँ कि कुछ लोग, अमेरिका तुमने देखा है, किसी अमेरिका को कौन अच्छे
कैसे मान लिया? जैसे टीवी में देखा है, छवि में देखा है, तो ये सिर्फ हर चीज नॉलेज होने से मानने को मिलेगा सर। जब तक नॉलेज नहीं है हम लोगों को लगता है कि क्या पता क्या चीज। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नास्तिक लोगों को ये नहीं कहना चाहता कि जो नास्तिक होते हैं, जो भगवान वगैरह में बिलीव नहीं करता, वो कर सकता है, उसका मन है। लेकिन तुम किसी को जबरदस्ती थोप नहीं सकते कि है या नहीं है। जैसे हम लोग किसी को थोपते नहीं कि तुम अगर नहीं मानोगे तो मत मानो। जैसे हिंदू में एक बड़ा सिस्टम है, जो भगवान को मानता है वो भी हिंदू है, जो नहीं मानता है वो भी हिंदू है। जैसे बाकी धर्म में क्या, अगर तुम नहीं मानोगे तो फिर तुम अधार्मिक माना जाओगे या फिर काफिर माने जाओगे, ऐसे ऐसे सिस्टम है। लेकिन हमारे सिस्टम में बड़ा अच्छा है इंडिया में, कि तुम मानो तो भी हिंदू, तुम ना मानो तो भी हिंदू, तुम डेली पूजा करो तो भी हिंदू, तुम ना पूजा करो तो भी हिंदू, तुम गाली बक दो तो भी हिंदू। गजब है सर, अलग बात है। क्वेश्चन पे सर कुछ नहीं था कि आप मार्केट को जानो या ना जानो, मार्केट तो अपना है ना, वही बात है। अब पॉइंट क्या है सर? पॉइंट यही था कि 12% रेट में हमने पैसा को इन्वेस्ट किया था, और मैंने आपको लास्ट दिन ये भी बताया था कि अगर 12% रेट में इन्वेस्ट करोगे, अगर आप डिसिप्लिन इन्वेस्ट करोगे, डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करोगे, तो ये 4.26 करोड़ हो गया था 20 साल। जो 1.78 करोड़ था वो 1.78 करोड़ से 4.26 करोड़ में आके रुका। तो जिंदगी थोड़ा बेहतर हो सकता है, थोड़ा बहुत काफी हद तक बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो आप 20 साल बाद जब रिटायर करोगे तो आप आराम से एक बेटर लाइफ मिलेगा आपको कंपैरेटिवली, जब आपने इन्वेस्ट नहीं किया था। अब आप बोलोगे सर ये कहां से आया? ये लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था सर, आज और इसमें डिस्कशन में टाइम नहीं दूंगा सर, फिर भी बहुत टाइम दीजिए, तो मैं दे देता हूँ कभी कभी। अच्छा, मैं साथ में ये भी चीज बोला था कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट क्यों नहीं मतलब करना चाहिए, पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सबके सबका बस का बात है, सबका बस का बात नहीं। जैसे मानो इस एरिया में, हर इस एरिया में कुछ लोग हैं, हर ऐसे आप लोग जहां पर हो वहां पर भी कुछ लोग हैं जिनके पास देखना ज्यादा जमीन जायदाद होता है, तो वो एक या दो या पांच लोग होते हैं जिनके पास जमीन जायदाद का पूरा मालिकाना होता है। पता नहीं ये एक सिस्टमेटिक सिस्टम में, मतलब उनका दादा परदादा के पास बहुत पैसा था, फिर वो जमीन में इन्वेस्ट कर दिया। तो रियल एस्टेट का मालिक होने के लिए पैसा का बहुत जरूरत होता है। जो आप रियल एस्टेट में ग्रोथ है, नो डाउट ग्रोथ है, अगर बढ़ती आबादी को देखा जाए, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ को देखा जाए, शहरा मतलब अर्बनाइजेशन को देखा जाए, जिस तरह से पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, अर्बनाइजेशन ग्रो कर रहा है, उस हिसाब से गांव का भी जमीन का दाम डबल हो जा रहा है सर 2-4 सालों में। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ बैड ऑप्शन, बट यू नीड ह्यूज कैपिटल। कॉमोडिटी या बुलियन वगैरह में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा क्या बोलेंगे सर, टाइम लगता है। इसीलिए लास्ट ऑप्शन यही बचा था कि स्टॉक मार्केट, कि अगर आपको एक मॉडरेट वे में ग्रो करना है तो स्टॉक मार्केट आपको सबसे बेहतरीन ऑप्शन देता है। तो ये सब था लास्ट क्लास का मेन मेन डिस्कशन सर। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट है सर, रेगुलेटर्स। सर ये जो हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं, आपके मन में एक क्वेश्चन है सर, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? पैसा लगाते हैं मार्केट में, कौन है इसको रेगुलेट करने के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रेगुलेटर कौन है सर? सर मेन रेगुलेटर है सेबी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू मार्केट एज वेल एज एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस, कि मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो अथॉरिटी है दैट इज सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका वेबसाइट में भी आप लोग विजिट कर सकते हो सर, और करते रहना सर, क्योंकि सेबी के वेबसाइट में आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलता है मार्केट के बारे में। ये जो मैं आपको आईपीओ चिल्ला रहा हूँ, तो अभी कुछ देर बाद आपको आईपीओ के बारे में और बात करूंगा, और आईपीओ के बारे में आप लोग सुनते भी रहते हो, तो आपको ना प्रीवियस इंफॉर्मेशन आईपीओ के बारे में यहाँ से मिल जाता है। और सिर्फ आईपीओ ही नहीं, इवन म्यूचुअल फंड का भी इंफॉर्मेशन आपको यहीं से मिलेगा सर। क्या बता रहा हूँ, सब यहीं से मिलेगा। हाँ देखो, सबको दिख रहा है ना, नंदन देवो देखा जाच्छे? है सर। ओके सर, देखो ये देखो, प्रोसेसिंग स्टेटस, पब्लिक इशू, ठीक है, पब्लिक इशू दिख रहा है। पब्लिक इशू में देखो, मैं यहाँ पर जा गया, चला गया, और यहाँ पर क्या है, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद सेबी, रेड हेयरिंग डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद आरओसी, फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद आरओसी। सर आरओसी कौन है? सर आरओसी है रजिस्टर ऑफ कंपनीज। सर ये क्या लॉ का क्लास चल रहा है? अरे नहीं रे बाबा, आपको भी जानना चाहिए, थोड़ा बहुत तो जानना चाहिए, चाहे आप सीएसईएस स्टूडेंट्स हो या ना हो। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, एक्चुअली सीएसईएस लेवल में ना ये सारा डिटेल्स पढ़ाना पड़ता है, आरओसी क्या है, आरओसी करता क्या है,
आरओसी का सिंपल मतलब इतना जान लो कि रजिस्टर ऑफ कंपनीज। रजिस्टर ऑफ कंपनीज माने अगर किसी कंपनी को इंडिया में बिजनेस करना है तो उसको किसी ना किसी स्टेट में रजिस्टर करना होता है, कोई ना कोई स्टेट में अपना कंपनी ओपन करता है। जैसे मानो अगर कोई कोलकाता में अपना कंपनी बना रहा है तो फिर कोलकाता का जो आरओसी है वो वेस्ट बंगाल में एक ही आरओसी है, तो उस आरओसी में उसको रजिस्टर करना पड़ता है। बॉम्बे में करेगा तो बॉम्बे में करना है, फिर कंपनी का आरओसी में रजिस्टर करने के बाद फिर वो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर। बात समझे? उससे पहले बैठा। अब यहाँ पर देखो, जनवरी 12, 2024 को ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड बोल के एक प्रॉस्पेक्टस फाइल करके रखा है जनवरी 12 को, मतलब चांसेस इज वेरी हाई कि अब धीरे धीरे सेबी इसका परमिशन दे देगा। आज 16 तारीख हो गया, शायद परमिशन दे भी दिया हो। इसका भी डिटेल्स आपको काफी सारे ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के डिटेल्स के अंदर में मिल जाएगा कि किसका आईपीओ आ रहा है। तो आईपीओ आने से पहले भी आपको आईपीओ का खबर मिल जाएगा। आपको बताता हूँ, जैसे मानो मैं नॉर्मली ऑनलाइन गूगल करके ही देख लेता हूँ, जैसे मानो जीरोधा आईपीओ करके भी लिखता हूँ ना, या आप स्टॉक्स में भी देखता हूँ तो दिखा देता है मुझे, आप लोगों को भी दिखता आएगा आपके ब्रोकिंग के थ्रू से। ये देखो आता हूँ सर, उसी में तो आना है, उसी में आना है। मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी जब फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं उसे आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। मैं एकदम बेसिक लेवल बात कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं टेक्निकल बातों में जाऊंगा, बट पहले ये जानना जरूरी है कि एक कंपनी स्टॉक मार्केट में आता कैसे। स्टॉक मार्केट में एक कंपनी का जर्नी कैसे होता है कि वो पहले किस लेवल में था, पहले वो प्राइवेट कंपनी था, फिर धीरे 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 वो स्टॉक मार्केट में आया कैसे, और वो स्टॉक मार्केट में आ गया तो फिर स्टॉक मार्केट में कंपनी जो लिस्टेड हुआ उसका प्रोसेस में कौन है, कौन उसको रेगुलेट कर रहा है, हमारा आपका पैसा किसके पास जा रहा है, हम जो एक्सचेंज को पैसा देते हैं, ब्रोकर को पैसा देते हैं, ये पैसा अल्टीमेटली कंट्रोल कौन करता है, ये जानना जरूरी है ना। ऐसे थोड़ी है कि आपका पैसा आप कहाँ दे रहे हो आपको पता ही नहीं, बस लोगों ने बताया कि स्टॉक मार्केट में पैसा है और आ गए डीमैट खोल के ट्रेडिंग करने। फिर कल जब पैसा किसी कारण से नहीं मिल रहा है या फिर लॉस हो गया, फिर मार्केट को गाली देंगे, सर क्या हो गया मेरा पैसा नहीं मिल रहा है, पता नहीं लग रहा है। मतलब जब देखो इंसान का जब नॉलेज होता है ना, वो हमेशा ना अंधाधुंध सोचता है, अंधाधुंध माने अंधाधुंध। जब आपके दिमाग में नॉलेज नहीं होगा आप फालतू का फिजूल का बात करोगे, मतलब जिसका कोई बेस नहीं है। लेकिन अगर आप नॉलेजेबल होंगे तो आप शांत रहोगे, शांत रह के आप प्रॉब्लम का हल ढूंढ लो। यही फर्क होता है, जो ज्यादा चिल्लाते हैं समझ लेना कि उसके दिमाग में कुछ है नहीं, तभी चिल्ला रहे हैं। और जिसके दिमाग में कुछ होता है ना, वो चिल्लाएगा नहीं, वो चुपचाप रहेगा और अपना काम करेगा, और अगर प्रॉब्लम भी आएगा ना उसको टैकल कर ले। एक नॉलेजेबल इंसान और एक लैक ऑफ नॉलेज में यही फर्क हो जाता है। ये देखो यहाँ पर कितना सारा कंपनी ऑलरेडी मैं आईपीओ लिस्ट में, जीरोधा के लिस्ट में देख रहा हूँ। ऐसा सिर्फ जीरोधा नहीं, हर कोई दिखाता है, मतलब हर एक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ये दिखाता है। तो यहाँ पर ये देखो एनएसडीएल इसका भी आने वाला है, काफी पॉपुलर हो सकता है ये वाला, ठीक है। ये एनएसडीएल क्या है, ये जो डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं ना, डीमैट अकाउंट रहता है भारत के दो ही कंपनी के पास, एक है एनएसडीएल दूसरा है सीडीएसएल। उसमें सीडीएसएल का शेयर ऑलरेडी मार्केट में है, लेकिन एनएसडीएल मार्केट में अभी आने वाला है, तो ये आएगा तो इसका भी शेयर में ग्रोथ देखने को मिल सकता है काफी। ओला इलेक्ट्रिक आने वाला है, ठीक है। गो डिजिटल विराट कोहली एडवर्टाइजमेंट करता है, आने वाला है, पता नहीं कब आएगा, बहुत दिन से दिख रहा है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इज दैट, ये जो ये इसको बोलते हैं, ये जो मैं आपके सामने ओपन किया ना, इसको कहते हैं प्रॉस्पेक्टस। सर प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? सर प्रॉस्पेक्टस बेसिकली किसी भी कंपनी का डिटेल्स होता है कि वो क्या है, क्या काम करता है, कौन इसका प्रोमोटर है, मैंने मालिक कौन है, फिर उसके बारे में वो सारा डिटेल्स बताते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा प्रोमोटर कौन है, मैं कितना पैसा लेके मार्केट में बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं आईपीओ लिस्ट आईपीओ के थ्रू से मैं कितना पैसा मार्केट से रेज करना चाहता हूँ, वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखा। देखो इस कंपनी का लिस्टेशन प्रोसेस अभी चालू किया है, लेकिन अभी भी ये नहीं बताया कि कितना शेयर लेके आना चाहता है। देखो ऑफर फॉर सेल नहीं बताया, नहीं बोला है, बोला है। ये देखो फ्रेश इशू साइज, कितना इक्विटी शेयर बता रहे, देखो 3,02,18,649 इक्विटी शेयर्स, जिसका फेस वैल्यू है 2 टका, फेस वैल्यू 2 रुपीज है, लेकिन अभी भी इसका मार्केट वैल्यू नहीं बताया, 2 टका फेस वैल्यू है। लेकिन अगर कंपनी में दम तो है तभी सेबी इसको आने के लिए बोलेगा, तो 2 टका में तो नहीं आएगा, 200 टका भी हो सकता है, 30 टका भी हो सकता है, 40 टका भी हो सकता है। जैसे रिसेंटली वो हाँ मोटिशंस तो है, उसका एक सरकारी कंपनी वो आई
ইন্ডিয়ান রিনিউয়েবল এনার্জি আই আই আর ই ডি না হ্যাঁ ক্লাস মে বাত কর রে থে কাফি সস্তা মে আয়া থা 20 या 30 रुपीज में आया था शेयर। हाँ एक महीना भी नहीं हुआ। वन मंथ भी नहीं हुआ सर जब आया था। हम लोग बात ही कर रहे थे क्लास में, ये देखो ना दिसंबर में है, अभी क्या चल रहा है जनवरी का 15 तारीख 16 तारीख 60 में लिस्टेड हुआ लेकिन मार्केट में जब इसका दाम था तो 20 से 30 टका के अंदर था। तो परसेंट बेस आज क्लास में भी बात हुआ था कि नंदन क्लास में कहता है इतनी तो चिलीस बता इतना सो चिलीस ना ना हाँ नंदन चिलो नंदन चिलो अमले ने तो चिलो क्लास में खूब डिस्कशन करे थे ना वही तो एकदम नॉर्मल है तो क्या नहीं चोक बंद करे बोले थे अप्लाई करे थी यदि अप्लाई ते ना पान इतने नहीं मैंने लिस्टेशन एर परे मैंने जरा 20-30 टका दे पाई तेरा 60 टका दे नीलो चल रहे देखो फिर भी डबल हुआ। इसका मेन रीजन ये था क्योंकि ये इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी लिमिटेड है, गवर्नमेंट कंपनी था। शेयर का दाम काफी सस्ता रखा था, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था, सस्ता था, इसीलिए मैं बोला था कि पब्लिक इसको भर भर के लेगा और पब्लिक लेगा बोल के ही इसका शेयर का ग्रोथ होगा। बिजनेस में दब उतना भी नहीं है जितना ग्रोथ कर चुका है। इसका मेन रीजन था कि सस्ता चल रहा था क्योंकि सब ले चलो 20 टका का शेयर है ले लेते हैं, उतना कौन देखेगा। ऐसे बिजनेस में दम है इसका, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई प्रॉफिट कर लिया, ऐसा भी नहीं है। मैंने 100% ग्रोथ देने के लायक कुछ धार नहीं, ठीक है। लेकिन अभी भी लोगों लग रहा है लो आप अभी मैं तो नहीं बोलूंगा, अभी मार्केट में ट्रेंड है तो ये चल रहा है। तो ये कुछ दिन भाई पहले का बात है, एक महीना भी हार्डली नहीं हुआ तो ये ठीक है। पॉइंट क्या है सर, पॉइंट ये है कि सर वो बिजनेस समझना पड़ता है कि क्या कंपनी है, क्या काम करता है, उसको बिजनेस एनालिसिस बोलते हैं। वही चीज मैं आपको यहाँ पर समझाने का थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ। ये चीज फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू से समझा जाता है, ये रातों रात डेवलप नहीं होता। हम लोग तो अभी ट्रेडिंग के लिए मेनली क्लास कर रहे हैं, बट फिर भी मुझे ये चीज बताना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में कंपनी आता कैसे है, वो चीज मैं एक्चुअली समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। और आप जो सवाल मुझे कर रहे हो ना, ये कंपनी एनालिसिस होते हैं जो फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू से आपको समझना पड़ेगा। सर फंडा माने क्या काम करता है, कौन प्रोमोटर है, मैनेजमेंट कौन चलाता है, जैसे देखो सारा चीज इसमें लिखा रहता है। ये देखो कहा गया भाई, ये देखो ये जो कुछ भी होता है ना कोई नॉर्मल मजाक नहीं है। देखो क्या लिखा है, सेक्शन 26 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो जो कुछ भी करेगा सेक्शन कंपनीज एक्ट के थ्रू से करेगा, ठीक है। प्रॉस्पेक्टस है, इसमें सारा चीज बोला है। क्या लिखा है, 100% बुक बिल्ड इशू। अब बुक बिल्डिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये देखो ये जो इक्विरस है, ICICI सिक्योरिटीज है, SBI कैप है, ये लोग क्या है, बुक रनिंग लीड मैनेजर है। मतलब इस कंपनी को जितना पैसा चाहिए ना मार्केट से, ये सारा पैसा मार्केट से उठाने का जिम्मा लिया है। जिम्मा माने रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बदले में इनको क्या मिलेगा, कमीशन। और इस पूरा खेल को देखने के लिए कौन है, कंपनी सेक्रेटरी। ये देखो कंप्लायंस ऑफिसर्स जो इस पूरा ड्राफ्टिंग और लीगल मैटर को देखभाल करेगा। और इस पूरा अंदर में जाओगे तो आपको कंपनी का सारा फाइनेंशियल मैटर, जैसे मानो यहां पर मैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्लिक किया, ठीक है। और जैसे ही मैंने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में क्लिक किया, यहाँ पर मुझे कंपनी का PL बैलेंस शीट सारा मिलेगा। ये देखो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, कितना एसेट्स कमाया बिजनेस ने अभी तक, कितना लायबिलिटी बनाया। अच्छा ये भी ऑडिटर का साइन है कि नहीं, मैंने जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड फर्म है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसका साइन होना चाहिए। साथ में कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो कंपनी का फाइनेंशियल ऑफिसर है, ये नॉर्मली CA भी हो सकता है, CMA भी हो सकता है, MBA भी हो सकता है। और ऑडिटर तो चार्टर्ड ही होता है, ठीक है। और बाकी कंपनी का जो मालिक लोग है, ये लोग दे आर द मालिक लोग, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, ये लोग नॉर्मली। और बाकी CS भी कंपनी के अंदर का इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स होते हैं, कंपनी का मालिक नहीं है। ना तो CA मालिक होते हैं, ना तो CFO मालिक होते हैं, ना तो CS मालिक होते हैं, बट दे आर इंपॉर्टेंट पर्सन इस पूरा खेल को
करने के लिए। अब ये कंपनी लिस्टेड अभी हुआ नहीं है, होगा, मैं आपको सेबी के साइट्स में जाके दिखा रहा हूँ, अभी ये प्रोसेस में आया है। अब इस पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करने में क्या सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, वही चीज मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, फिर जाके कैसे लिस्टेड होता है वो भी मैं बताऊंगा। और इस लिस्टेशन प्रोसेस के बाद ही हम लोग शेयर को ऑनलाइन में चेक कर पाते हैं, ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में चेक कर पाते हैं। जैसे यहाँ पर नाम लिखेंगे तो जैसे IREDM में वहां पर लिखा, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, ये देखो। अब ये एक महीना पहले नहीं था, वन मंथ पहले देखो तो ये शेयर नहीं था मार्केट, लेकिन वन मंथ बाद अभी ये शेयर मार्केट में आ गया है। अभी फ्यूचर शायद नहीं है इसका, IREDM का फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर में ट्रेडिंग करने के लिए अलग से लिस्टेशन करना पड़ता है, नहीं किया, नहीं है फ्यूचर में, ठीक है। अगर बिजनेस इसका जम जाए, अप्लाई करेगा तो होगा। अब ये पूरा सिस्टम समझना है कि कैसे होता है, जो था ही नहीं कभी वो कैसे आ गया, इसका पूरा प्रोसेस एटलीस्ट डिटेल्स में ना जानो, नॉट लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉट लाइक कंपनी सेक्रेटरी, एटलीस्ट एक नॉलेज तो होना चाहिए, समझ रहे ना सर मैं क्या कहना कह चाहता हूँ। अब ऐसे तो ये पूरा प्रोसेस को समझाने में मेरे को CACMA क्लास में 2-3 दिन लग जाता है, और मैं आप लोगों को ये चीज़ एक ही क्लास में बता सकता हूँ कि पूरा प्रोसेस क्या है, नहीं है सब। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप लोग ना ये सेबी का वेबसाइट वगैरह फॉलो करते रहिए, इसमें आपको पता लगेगा क्या कंपनी। देखो सर, मार्केट में जो जितना आगे का सोच सकता है वही मार्केट में अपना बाजी मारता है। आगे का सोचना माने नहीं, मतलब कंपनी जब आएगा और वो लिस्टेशन होगा, या फिर मानो कंपनी का शेयर मार्केट में आ गया है, जैसे मानो IREDM जो 30 रुपीज में लिया है, जब हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे, जो जब स्टूडेंट ने पूछा कि सर क्या बोलते हो, क्या लगता है, तो मैं बोला कि थोड़ा देखना पड़ेगा, तो मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ कि मेरे को सब पता है अंतर्यामी की तरह। तो अगर कोई कुछ बोलता है तो मैं उसको थोड़ा सर्वे करता हूँ, अपना रिसर्च लगाता हूँ, फिर मुझे जो समझ में आता है मैं बताता हूँ। कभी कभी गलत भी होता हूँ, ऐसा थोड़ी है कि मैं गलत नहीं हो सकता, कभी कभी मेरा एनालिसिस गलत भी होता है कि सर देखो सुमित के साथ मेरा बहुत चलता है, देखे जी ले बोले ना अतोटा हवे ना तुम्हें बोल रहे हवे काइंड ऑफ दैट। तो कभी कभी मैं गलत भी होता, जैसे पेटीएम में सबसे ज्यादा मेरा गलती हुआ था, मैं सोचा था कि पेटीएम सच में 2000 क्रॉस करेगा, पर उल्टा ही पड़ गया था, और ऐसे एक गलती सिर्फ मैं नहीं, सर ज्यादातर लोग किया था, ठीक है। पेटीएम का शेयर 2000 में लिस्टेशन हुआ था, लेकिन रहा नहीं, 2000 से गिरते गिरते 500 में आ गया था, वो भी विद इन वन मंथ। हाँ सर मेरा भी था, उसके बाद पेटीएम पे ट्रेड कर करके मैं उसका लॉस को कवर किया, इतना ट्रेड किया, जितना लॉस उसने मेरा किया, लॉट में किया था लॉस, ठीक है, हाँ लॉट में, ठीक है। फिर जितना लॉस पेटीएम मेरे को करवाया था, मेरे को गुस्सा बहुत आया था, गुस्सा मतलब अंदर से एक अपने ऊपर ही गुस्सा, फिर मैं सोचा कि भाई तुम पे मैं ट्रेड करूंगा, और फिर पेटीएम में मैं रोज ट्रैक करता रहा, क्योंकि मुझे पता था कि इसके बिजनेस पे दम है, ये चुपचाप पड़ा नहीं रहेगा। ये रिसेंटली भी इन लोगों को बोला, जब इसका दम 595 चल रहा था और अभी फिर से 700 चला गया ऑलमोस्ट, हाँ 20-25 दिन, ये तो रिसेंट है, इससे पहले मैं एक साल में कितना बार ट्रेड किया पेटीएम में आपको मैं बोल नहीं सकता, जितना बार पेटीएम गिरा है उतना बार मैं पेटीएम को खरीदा हूँ 100-200 में, फिर से मैं प्रॉफिट, और जो लॉस मैं खाया था 10-20 हजार के ऊपर था, और भी ज्यादा शायद मुझे याद नहीं है अभी, ठीक है। मेरा टारगेट कितना दिया था 800-900, मैं एक महीना पहले पेटीएम में टारगेट दिया था 900, जब 595 चल रहा था, वो अलग बात है। ऐसा तो एनालिसिस बीच बीच में निकलता रहेगा, मैं ये नहीं बोलूं देखो मेरा क्या बात चल रहा है, कभी भी गलत भी होता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आप भी समझोगे बात को तो आप भी एनालिसिस कर पाओ, प्रोसेस है, टाइम लगेगा। अच्छा अब क्वेश्चन क्या है सर, सर क्वेश्चन और कुछ नहीं, मैं आपको बस यही चीज समझाने का कोशिश कर रहा था कि मार्केट को रेगुलेट कौन करता है। जैसे सिंपल बेसिक सवाल है मार्केट को जानने का, काफी लोग पूछते हैं कि मार्केट क्या है बताओ, मार्केट क्या है बताओ, व्हाट इज स्टॉक मार्केट। सर मार्केट एक सुपरमार्केट की तरह है, जैसे लोग सुपरमार्केट में जाते हैं ना, या मॉल में जाते हैं जहां पर हजारों दुकानें हैं, हजारों चीजें मिलता है, तो मार्केट भी एक ऐसा ही दुकान की तरह है जहां पर 5-7 हजार कंपनी लिस्टेड है। व्हाट इज मार्केट, जहां पर 5000 से लेके 7000 कंपनीज लिस्टेड है। सर 5-7 हजार क्यों? हाँ सर यहाँ पर ना मेनली दुकान का दो कंट्रोलर है, एक BSE है और एक NSE है। इसमें BSE में अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट 5000 के आसपास का कंपनी लिस्टेड है, और NSE में अप्रोक्स 2-2.5 हजार कंपनी लिस्टेड है, 2000 से 2500 के आसपास।
समझ में आ रहा है सर बात? अब आपको अगर शेयर लेना है, अच्छा इसमें से कुछ कॉमन भी है, कॉमन इन द सेंस जो बीएससी में भी है और एनएससी में भी है, ज्यादातर ऐसा ही है, तो आपको बीएससी एनएससी के बीच का फर्क ढूंढने का जरूरत नहीं है। ऐसे दोनों ही एक्सचेंज है, बीएससी थोड़ा प्राचीन है, प्राचीन इन द सेंस 1880 से चले आ रहे हैं, और एनएससी जो है वो न्यूली डेवलप किया गया, गवर्नमेंट के साथ बैंकिंग कंपनीज जितने सारे हैं मिलके एनएससी को डेवलप किया। आजकल सबसे ज्यादा ट्रेड एनएससी के थ्रू से होता है, और ये जो फ्यूचर ऑप्शंस का ट्रेडिंग ऑप्शंस आपको एनएससी में ही मिलेगा। ये जो हम लोग मार्केट में सेंसेक्स देख पाते हैं, सेंसेक्स का जो इंडेक्स है ये बीएससी का है, और हम लोग जो निफ्टी देखते हैं वो एनएससी का। सर किसको देखना चाहिए? सर दोनों को देखो, मार्केट को समझना है, दोनों को देखो। ज्यादातर लोग निफ्टी पसंद करते हैं, बट आप सेंसेक्स को भी रेगुलर ट्रैक कर सकते हो। ऑप्शन जितना बोल चुके ओके एनएससी का होने, हां ऑप्शन ट्रेडिंग एनएससी पे ही, वो सब ऑप्शंस गवर्नमेंट ने नहीं दिया बीएससी का। ऑप्शन ट्रेडिंग जो फ्यूचर ऑप्शंस पढ़ रहे हैं वो एनएससी के थ्रू से अभी तक चालू ही नहीं, अभी फ्यूचर चल, फ्यूचर का जस्ट बेसिक सी हुआ है, दो तीन क्लास ही हुआ है, अभी ट्रेडिंग सिखाया भी नहीं, तो चलेगा सर, अभी तो बस चालू हुआ है, कहाँ है तो। अच्छा तो व्हाट इज स्टॉक मार्केट? मार्केट बस यही है कि एक ओवरऑल सुपरमार्केट की तरह है, जहां पर इतने सारे कंपनी लिस्टेड है। अच्छा सारा कंपनी का फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी अवेलेबल नहीं है, अभी बताया आया आइडिया नहीं है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे भी बात नहीं कर रहा, अभी सिंपल बात कर रहा है, क्योंकि बेसिक क्लास है, सिंपल बात कर रहा है। तो आपको इसमें से जो कंपनी लेना है, आपको बस मार्केट में ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू से जाना है, और जिसका शेयर परचेज करना है आपको वहां पर उसका नाम लिखना है या फिर ऐड करना है। से फॉर एग्जांपल अगर मुझे एसीसी लेना है तो एसीसी में जाना है, सीमेंट कंपनी, ठीक है, सीमेंट कंपनी, तो अगर मुझे लेना है तो मैं एसीसी में क्लिक करूंगा, बाय करना है बाय करूंगा, सेल करना है सेल करूंगा, ठीक है, सेल भी कर सकते हैं बाय भी कर सकते हैं, वो मैं आगे आगे बताऊंगा कैसे क्या होता है। तो क्वेश्चन यही है सर कि ये तो सारा मार्केट में कोई भी ओपन अकाउंट ओपन करेगा और वो ये सब चीज रेगुलर वो भी खुद भी देख सकता है, हम एक्स्ट्रा क्या सीख सकते हैं? एक्स्ट्रा क्या सीख सकते हैं? जैसे मार्केट का रेगुलर कंट्रोलिंग कौन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेबी तो है, पर सेबी के साथ साथ और भी लोग हैं जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अच्छा बीएससी एनएससी तो आपको मैं बताया, जो दो एक्सचेंज है जिसके थ्रू से एक्चुअली मार्केट होता है, माने हम लोग ब्रोकिंग के थ्रू से, जैसे मानो अभी इसने अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन कर रहा है, तो अपस्टॉक्स कौन है? ब्रोकर है। ज़ेरोधा कौन है? ब्रोकर है। मोतीलाल कौन है? ब्रोकर है। शेयरथन कौन है? ब्रोकर। ग्रो कौन है? ब्रोकर। तो अगर आपको शेयर खरीदना है तो ब्रोकर के थ्रू से ही खरीदना पड़ेगा, आप डायरेक्टली एक्सचेंज ऑफिस में भी नहीं जा सकते। ऐसा नहीं कि जैसे बॉम्बे में दलाल स्ट्रीट बोल के एक जगह है, ठीक है, क्या नाम है जगह का? दलाल स्ट्रीट, दिखा देता हूँ आपको, कभी बॉम्बे जाओगे ना तो लोगों का सपना होता है दलाल स्ट्रीट देखने का। अरे वही तो एक्सचेंज का ऑफिस है। टीवी में इसका इमेज जब भी न्यूज चैनल खोलोगे ना ये दिखता है ना, न्यूज चैनल में नहीं दिखता ऐसा? हाँ ये बॉम्बे का दलाल स्ट्रीट का इमेज है, जहाँ शेयर मार्केट का ऑफिस है बीएससी एनएससी का सबका, एक ही है हेड ऑफिस, यही है, बाकी हर जगह में आपको ब्रांच मिल जाएगा, वो अलग बात है, कोलकाता में भी ब्रांच है एनएससी का बीएससी का, ठीक है, बट छोटा छोटा है, बट मेनली ये मेन है। কলকাতাতে বিএসসি ব্রাঞ্চ আছে, ক্যামা স্ট্রিটে আছে, এনএসসি ব্রাঞ্চ আছে, সাউথ কলকাতার দিকে আছে, আর কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের ব্রাঞ্চ। কলকাতা মে তো দেখো এসাচ কিছু নেই, কিছু অফিসিয়াল কাম হতে হ্যাঁ জো লোক ইসমে ভি ওই ইয়ে জো সারা পুরা ব্রোকিং কা কাম হ্যায় জো হাম লোগ জো শেয়ার খরিদতে হ্যায় বেচতে হ্যায় ইয়ে সেটআপ। হ্যাঁ হ্যাঁ দালালি তো হ্যায় সব কোই, লেকিন ইয়ে ঘর ওয়ালা দালাল কি তরহ নেই হ্যায়, এ ঘর ভাড়া ওয়ালা দালাল নেই হ্যায়, ইয়ে লোগ ব্রোকার কা মতলব কিয়া হ্যায়, ब्रोकर इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको बंगाली या हिंदी में क्या बोलेंगे? दलाल का मतलब क्या होता है? आजकल हम लोग दलाल वर्ड को बंगाली में थोड़ा गंदा लैंग्वेज में यूज करते हैं, बट दलाल का मतलब होता है मीडिएटर। दलाल का मतलब क्या होता है? मीडिएटर, जो बीच का काम करते हैं, थोड़ा लोकल में फोड़े भी बोलते हैं, लोकल बंगाली में इसको फोड़े भी बोलते हैं, फोड़े मतलब क्या है? जो बीच का काम करे, जैसे जो किसान से फार्मर से उसका खेती का चीज लेके मार्केट में बेचते हैं, बीच के उसको कमीशन एजेंट के थ्रू से वो ट्रांसपोर्टिंग का काम, उसको फोड़े मिलते हैं, लोकल लैंग्वेज है, लेकिन सब दलाली होते हैं, माने जो अपना प्रोडक्ट नहीं है, जैसे लोग शादी का दलाली नहीं करते, लेकिन वो मीडिएटर है, पर वो
उसका वो ना वो पुराने जमाने के जैसे घटकाली होता था ना, घटकाली बंगाली को घटोक, ठीक है इसका टाइटल भी घटोक है सर वो नहीं, वो घटोक लोग क्या करता था वो मैंने एक फोर्सफुली कर लो अच्छा है ये है, फिर उसके लिए काफी पैसा भी लेता था। ये मैट्रिमोनियल साइड उसी कॉन्सेप्ट को यूज किया है, बट वो लोग ना किसी का शादी नहीं करवाता है, वो डेटा डेटा सप्लाई करता है, जो है जोगाजोग भी नहीं कराते हैं। तुमको कितना लड़की का डेटा चाहिए तुम ले लो वहां से, ठीक है, उसके पास जितना तुम्हारा जो क्राइटेरिया है, ठीक है, कि कैसा कलर कैसा है होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, फैमिली कैसे होने चाहिए, कास्ट क्या होना चाहिए उसके पास, हाँ हाँ, उसमें एक 500 टका 1000 टका का एक सब्सक्रिप्शन लेना है, वो सब्सक्रिप्शन लेके तुमको वो डेटाबेस देगा, लड़की का डेटाबेस, लड़का का डेटाबेस, और डेटाबेस के हिसाब से तुम कम्युनिकेट करो। जब भी कम्युनिकेट करोगे तो वो मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म भी उनके साथ कम्युनिकेट करके तुमको जोगाजोग करके देगा, कनेक्ट करके देगा, और फिर अब तुम अपने हिसाब से बाकी काम करो, इसमें बीच के और मैट्रिमोनियल साइट्स नहीं आएगा। तो बेसिकली दे आर द डेटा प्रोवाइडर, वो घटकाली नहीं करता है, वो डेटाबेस का चार्जेस लेता है। ये जो शादी डॉट कॉम, भारत मैट्रिमोनी, मारवाड़ी मैट्रिमोनी, बंगाली मैट्रिमोनी, टिंडर, वो पता नहीं, वो तो शायद डेटिंग ऐप है, वो डेटिंग ऐप है शायद, मैं उतना जानता नहीं हूँ, तुम बोला नाम मैंने सुना पर मैं कभी देखा नहीं, पर वो डेटिंग ऐप है, वो लड़का लड़की को ढूंढता है और फिर जाते हैं घूमने के लिए, वो अलग। हम लोग जो मार्केट की बात करें, ये जो भी हम लोग मार्केट में देखते ना, सेटलमेंट प्रोसेस, यहाँ पर भी जॉब मिलता है, बट आजकल इतना जॉब यहाँ पर क्रिएट नहीं होता है, अगर किसी को किस्मत मिल गया तो वहाँ पर जाके जॉब कर सकता है। ये जितना भी सेटलमेंट होता है ना, हम लोग यहाँ पर ऑर्डर जनरेट करते हैं ना, तो सारा सेटलमेंट इनके ऑफिस में होता है। पुराने जमाने में जो होता था ना, हाँ बहुत बड़ा बिल्डिंग, पुराने जमाने में कैसे होता था जानते हो, अरे आज का थोड़ी है, ये 1880s के पुराने समय का है। हाँ ये देखो, ऐसा भीड़ होता था, इसको ना ये बोलते हैं, वो जहां पर खड़े होके बीट करता था, मुझे इतना शेयर दे दो, इस तरह से चिल्लाता था। मैं दिखाऊंगा, इसका फोटो है मेरे पास, अभी ढूंढना पड़ेगा। ये देखो, देख रहे जो भी हो, अभी भी है ये दलाल पद, अभी भी है, ठीक है। तब ब्रिटिश और भारत के कुछ रिच लोग ये मार्केट को कंट्रोल करता था, ठीक है सर, बीच बीच में इतिहास आ जाएगा, बट ओके। तो कितना पुराना है कॉन्सेप्ट समझ में। स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड नीड टू रेगुलेट देम। स्टॉक मार्केट में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इन्हीं के ऊपर मार्केट का ग्रोथ डिपेंड करता है। अब काफी लोगों को पता ही नहीं है कि मार्केट में कौन है, उनको लगता है मैं अकेला हूं और मार्केट है और कोई नहीं है, ऐसा नहीं है, इस मार्केट में आप अकेले नहीं हो। जैसे मानो तुमने डीमैट अकाउंट ओपन किया और तुमको लग रहा है मार्केट है और मैं नहीं, ये मार्केट तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता और मार्केट भी अपने हिसाब से भी नहीं चलता, मार्केट चलता है पार्टिसिपेंट्स के हिसाब से। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। द स्टॉक मार्केट अट्रैक्ट्स इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेशंस, कॉर्पोरेशंस माने कंपनीज, फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। एनीवन हु ट्रांजैक्ट इन स्टॉक मार्केट इज कॉल्ड मार्केट पार्टिसिपेंट्स। जो मार्केट में लेन देन करता है वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज, डोमेस्टिक एंड रिटेल, माने हम आप जैसे, हमें बोलते हैं डोमेस्टिक या रिटेल पार्टिसिपेंट्स। जो लोग खुदरा खुदरा ट्रेडर है, खुदरा ट्रेडर माने खुजरो, ठीक है, एनआरआई एंड ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन माने भारत का ही है पर बाहर रहते हैं, काफी पैसा वाला होता है, तो इनका पैसा भी मार्केट में आते हैं, वो बाहर बैठ के इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करता है। ये लोग तो डॉलर में कमाता है ना, प्रवासी भारतीय, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। सर ये कौन है, जैसे हम लोग इंश्योरेंस कंपनीज को पैसा देते हैं, भारत में सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है, LIC स्टॉक मार्केट में खुद भी है, अभी आ गया, कुछ दिन पहले आया, एक साल भी नहीं हुआ प्रॉपरली, पहले स्टॉक मार्केट में नहीं थे, ये फुल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, थोड़ा सा डाइवेस्टमेंट किया है, डाइवेस्टमेंट है, इतना दिन पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास था, अभी कुछ हिस्सा LIC का मार्केटेबल है, कुछ हिस्सा,
जो मानो अभी पहले पूरा 100% गवर्नमेंट कंट्रोल करता था, अभी 5% के आसपास पब्लिक भी कंट्रोल करता है। पब्लिक कंट्रोल करता है मैंने क्या, उसमें कोई भी प्राइवेट कंपनी भी उसका शेयर खरीद सकते हैं और खरीद कर रखा भी है। LIC डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में से सबसे पावरफुल है जिसका पैसा स्टॉक मार्केट में जाता है। ये जो पब्लिक LIC में पैसा डालता रहता है तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा LIC क्या करता है, मार्केट में डालता है, फिर वहां से खुद 15% 20% ऑन एन एवरेज कमाता है, और फिर दूसरे को 5% देता है, बैंक से भी कम देता है LIC। कभी LIC का रिटर्न कैलकुलेट किए हो? जिंदा रहते रहते LIC में मजा नहीं है, मरने के बाद ही मजा है। लेकिन उसी डर के चक्कर में तो लोग LIC में पैसा देते हैं। इंश्योरेंस लोग क्यों करते हैं? अपने लिए थोड़ी करते हैं, फैमिली के लिए ही तो करते हैं। इसीलिए लोग देखो सर, पब्लिक फाइनेंशियली अगर कॉन्शियस हो जाएगा तो बोले कि भाई जिंदा रहते रहते फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाया, मरने के बाद सपोर्ट करके क्या फायदा। लोग स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड्स के बारे में क्यों जानकारी लेना चाहिए और क्यों लोग जानने के लिए आजकल उत्सुक हो रहे हैं, और इंश्योरेंस वगैरह में डायरेक्ट पैसा लगाने से लोग कम हो रहे हैं पहले से। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा बंद हो गया, लेकिन एक जमाना था जब लोग इंश्योरेंस के बिना दूसरा कोई ऑप्शन नहीं मिलता था। अभी लोग इंश्योरेंस कम कर रहे हैं। पहले इंश्योरेंस क्यों करेंगे, मैं मार्केट में कमा के अपने लिए भी जिंदगी जी लूंगा और फैमिली के लिए भी अच्छा पैसा जुगाड़ करके जाऊंगा, मैं फालतू में इनको क्यों दूंगा, क्योंकि ये तो मेरे को जो भी देगा मरने के बाद देगा, मरने से पहले जो भी देता है वो ना के बराबर है। उतना तो मैं कहीं एक दुकान खोल के बैठ जाता, या फिर पोस्ट ऑफिस में रख देता तो ज्यादा है, 5% 6% भी प्रॉपरली नहीं देता, 5 साढ़े 5, हाँ उससे अच्छा FD है। लेकिन इंश्योरेंस में क्या है, जिंदगी के बाद ही कुछ मजा है नहीं तो। लेकिन इंश्योरेंस क्या करता है, यही पैसा मार्केट में लगाता है, पूरा नहीं कुछ परसेंटेज, उसमें से ही वो इनकम करते हैं और उसी में से वो पब्लिक को रिटर्न देते हैं। यही काम जो आप लोग सीखने आ रहे हो वही काम वो भी करता है, उनके पास फाइनेंशियल एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। कुछ समझ में आ रहा है? देखना बीच बीच में खबर आता है LIC स्टेक होल्ड किया इस कंपनी का, LIC स्टेक होल्ड किया उस कंपनी का, खबर आता रहता है। तो स्टेक होल्ड करने का मतलब क्या है, शेयर खरीदना कंपनी, और वो जब भी करते हैं बड़े अमाउंट में करते हैं। रिसेंटली LIC के शेयर में भी कुछ ग्रोथ देखने को मिला। LICI ये देखो, बोला ना रिसेंटली ग्रोथ देखने को मिला, कितना चल रहा है, तो बोले 885। लोग मैं फॉलो भी करने बोला था, मतलब तो ग्रुप में डिस्कस करता हूँ ना, वहां पर मैं बोला भी था कि आप LIC को देखिए, ये देखो यहाँ पर एक प्रॉपर कैंडल्स भी था जो इसमें ग्रोथ देने के लिए मौका बना रहा था। चलो वो तो मैं फिर बताता रहूंगा, तो अभी बताने का मौका खत्म नहीं होगा। मैं काफी दिनों से बोले जा रहा हूँ कि LIC को देखो, LIC में ग्रोथ है, LIC में ग्रोथ है, और वो हुआ भी है सर, 7 750 से 850, 880, 890 तक चला गया। कि नहीं तो जखन हमें कथा बोले जिनको, तो हम आई थिंक वही डिसम्बर 15-20 तारीख है, और आज देखो डिसम्बर के 15-20 में देखो क्या काम चल रहा था। इस टाइम पे एक्चुअली मैं बोला था 15-20 के आसपास, तब दाम चल रहा था इसका 750, मैंने विद इन 1 मंथ 800 850 क्रॉस कर गया, 100 रुपीज से भी ज्यादा। तो रीजन था LIC कुछ बड़े कंपनीज का स्टेक होल्ड किया था, तो उसका काफी दिनों से चुपचाप पड़ा था LIC, काफी दिनों से मतलब ये वाला है ना, समझाने पहले कौन सा एरिया बोलूं, पहले दिसंबर के पहले ना, पहले जस्ट पहले थोड़ा सा, हाँ ये वाले दिसंबर हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, दिसंबर से पहले ये पूरा चुपचाप पड़ा हुआ था, पूरा एकदम शांत था, कुछ मूवमेंट नहीं था इसका, पूरा साइडवेज। तो जब जब साइडवेज होता है तभी कुछ मौका बनता है, मतलब जब कोई नहीं देखता है ना किसी को, अरे सिंपल बात है जिंदगी में उल्टा साइड, मतलब इसका मतलब को समझना, जब तुम कुछ नहीं हो, जब तुम्हारे जिंदगी में तुमको कोई साथ दे दे, वही एक्चुअली जिंदगी का असली पार्टनर होता है। सिमिलरली मार्केट को तब आप अगर समझ पाते हो जब मार्केट में कोई उसको नहीं देख रहा, राइट।
हाँ साइडवेज के बाद ही मार्केट में ग्रोथ, या तो ग्रोथ ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। नीचे भी जाने, नीचे जाने का चांसेस तभी होगा अगर बिजनेस में दम नहीं है तो, और ऊपर जाने का चांसेस तब होता है जब बिजनेस में दम है तो। लेकिन अगर जब आप जब मार्केट में खबर निकला ना मार्केट हाई जा रहा है ये जा रहा है, तब तो चांसेस काफी कम हो जाएगा आपको, तो तभी उसमें चांस लेना चाहिए जब वो कुछ नहीं है। हाँ वेरी गुड सर, इसको बोलते हैं प्रॉपर एनालिसिस, यही एनालिस्ट आपको बनना है। तो बीच बीच में थोड़ा मार्केट का बात कर रहा हूँ, लेकिन ये तो आज का क्लास मेरा मेनली बेसिक्स में फोकस है। तो आप मार्केट में कौन हो, डोमेस्टिक एंड रिटेल पार्टिसिपेंट्स, ठीक है? आप कौन हो सर, डोमेस्टिक एंड रिटेल पार्टिसिपेंट्स। आपका पैसा मार्केट में, हेलो ना रेट का क्या, हाँ हाँ मतलब पार्टी नहीं, पार्टी नहीं, अच्छा फिर और कहना सर, एनआरआई ओसीआई समझ गए, इनका काफी पैसा आता है मार्केट में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, ये इसके अंदर एलआईसी भी, अच्छा उसके बाद देखो चार नंबर में कौन है, एएमसी। एएमसी कौन होता है, HDFC AMC तो एक एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत सारे फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट, DSP, ब्लैक रॉक, SBI म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, माने एनी काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनीज को कहते हैं AMC। ये AMC का पैसा जब मार्केट में आता है ना, तब मार्केट में आपको मोमेंटम देखने को मिलता है। ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस एंड AMC जब भी मार्केट में पैसा डालते हैं तो मार्केट में मोमेंटम आता है, और मार्केट में सबसे ज्यादा मोमेंटम आता है जब मार्केट में FII का पैसा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सबसे ज्यादा ग्रोथ। माने बेसिकली कॉन्सेप्ट इज लाइक कि आप लोग जब भी देखोगे निफ्टी में बहुत हाई फाई ग्रोथ जा रहा है, मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ, ये डेटा ट्रैक करना सिखाया भी मैं पहले, मैं फिर दिखाता हूँ, DII FII डेटा। ये कहाँ से ट्रैक करोगे, ऐसे तो बहुत सारा जगह में मिलता है, पर इसका सबसे ऑथेंटिक सोर्स है NSE का वेबसाइट, ठीक है? DII FII डेटा, ये डेटा से आपको क्या समझ में आएगा, ये देखो 15 जनवरी मैंने कल का डेट है, DII दिख रहा है ना, देखा जाए अच्छे से, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। देखो सर कितना शेयर बाई किया है टोटल इंडियन मार्केट में, DII बाई किया है 10,881 करोड़, 10,881 करोड़, सेल किया है 11,702 करोड़, और FII देखो बाई किया है 12,196 करोड़ और सेल किया है 11,110 करोड़। अगर नेट वैल्यू देखा जाए तो DII का 820 करोड़ का सेल है और FII का 1,085 करोड़ का बाई है। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर, DII ने मार्केट में कल यस्टरडे सेल किया था और FII ने बाई किया था, ठीक है? अब इस डेटा से आपको क्या समझ में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है सर। देखो मैं आपको निफ्टी में लेके जाता हूं, अब देखो कल और आज के बीच में निफ्टी का ग्रोथ देखो, आप 15 तारीख और 16 तारीख का निफ्टी का ग्रोथ देखो, ये डेट डे चार्ट है, मैं थोड़ा बड़ा करता हूं, एक सेकंड देखो कल का डेटा और आज का डेटा देखो, कल भी मार्केट में कैंडल जो बना है सर छोटा कैंडल, छोटा क्यों, मैंने देखो बड़ा कैंडल मतलब, तो बड़ा कैंडल मैंने वॉल्यूम हाई होता है, मैं आगे के सिखाऊंगा वॉल्यूम क्या चीज है, बट ये वॉल्यूम बनाता कौन, वॉल्यूम मैंने जब कैंडल का साइज आपको साइज में बड़ा देखा, जैसे देखो ये लाल है तो क्या हुआ पर बड़ा है, ये ग्रीन है तो क्या हुआ साइज में बिग साइज का, लेकिन देखो बीच बीच में छोटा छोटा कैंडल है, जैसे कल का कैंडल भी छोटा कैंडल में से ये कैंडल था। अब आप बोलोगे सर छोटा क्यों बना है, सर छोटा कैंडल बनने के पीछे मेन रीजन था ये FII DII का डेटा, अच्छा ये FII और DII को ना हम लोग फॉलो करते हैं, ये जो डोमेस्टिक वाले हैं मैंने हम लोग कौन है रिटेलर, रिटेलर क्या करते हैं जैसे इनको फॉलो करते हैं,
तो हम लोगों ने क्या देखा कि 1085 करोड़ का एफआईआई क्या है, बाई है कि सेल है? इंडियन मार्केट में एफआईआई बाई है, इतना जल्दी भूल जाता है ये देख। 1085 करोड़, 1085 करोड़ पॉजिटिव है ना, ये देखो ना इसके साथ से इसको माइनस करो ना, যার কাছে যা শেয়ার হোল্ড ছিল সে শেয়ারটাকে সেল করেছে আর পজিটিভ মানে বাই করেছে। এবারে যদি আগর মার্কেট মে বাই জাদা হতা হ্যায় তো মার্কেট মে গ্রিন ক্যান্ডেল আর মার্কেট মে গ্রোথ দিখতা হ্যায় আর আগর মার্কেট মে জাদা নেগেটিভ হতা হ্যায় মতলব আগর মাইনাস কা পার্সেন্টেজ আর মানে ইয়ে ভি আগর মাইনাস হতা দোনো মাইনাস হতা তো ইয়ে গ্রিন ক্যান্ডেল বনতা হি নাহি স্যার ইয়ে গ্রিন ক্যান্ডেল বনতা হি নাহি ইয়ে পুরা রেড ক্যান্ডেল বনতা আপ কভি ভি মার্কেট ট্র্যাক করনা দেখো ইয়ে ওয়ালা ডেট কা ভি ট্র্যাক করো না আপকো পতা লাগেগা ইয়ে দেখো FIDI डेटा से आप कभी भी ट्रैक करोगे ना देखो यहाँ पर इस दिन क्या ये रेड कैंडल देख रहे हो ना अगर ये कौन सा डेट है 8 जनवरी का अब 8 जनवरी का डेटा ट्रैक करो आप देखोगे कि FIDI दोनों का ही सेल होगा या फिर FII का सेल इतना ज्यादा होगा कि मार्केट को अल्टीमेटली लाल किया है लाभ लॉस का मैटर नहीं है लाभ लॉस इसमें नहीं समझना है सर कि लाल मने लॉस ग्रीन मने प्रॉफिट नॉट लाइक दैट मतलब उतने दिन के लिए हाँ वो लोग डेली काम करते हैं वो ओवर या तो तुम शाम तक खबर ले मिल जाता है आपको या फिर जैसे कल क्या होगा जैसे आज का जो भी डेटा चल रहा है ना अभी तो मार्केट ओपन है अब जो भी करेगा मार्केट ओपन में ही ना करेगा तो आज सारा दिन में वो लोग क्या कर रहे हैं ये डेटा ट्रैक करना मुश्किल है लेकिन तुमको ट्रेंड समझना है कि आज सारा दिन FIDI ने क्या किया ये NSE का साइट आपको दिखाएगा उसके ऊपर बेस करके कल क्या हो सकता है ये प्रेडिक्शन आपको करना पड़ता है कि वो लोग मार्केट ट्रेंड को कैसे समझ रहे हैं हाँ ओपीएस बेसिकली निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 में करता है बेसिकली इंडियन मार्केट में जैसे उनका पैसा का फ्लो होगा इंडियन मार्केट में पॉजिटिविटी अगर मार्केट से मैक्सिमम पैसा वो लोग सेल करके निकल जाएगा तो मार्केट में नेगेटिविटी तो हम लोग ज्यादातर निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 देखते हैं आपको 5-7 हज़ार कंपनी देखने का जरूरत नहीं आपका इंपैक्ट जो भी होगा इसको मिरर बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको मिरर ऑफ द इकोनॉमी यू डोंट नीड टू ट्रैक ऑल दीज 5-7 थाउजेंड कंपनीज यू जस्ट नीड टू ट्रैक These Nifty 50 stocks. ये इसके अंदर पूरा 50 कंपनी है ये भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा कि कौन सा 50 कंपनी इसके अंदर है आपको कैसे ट्रैक करना है मैं सब बताऊंगा धीरे धीरे इवन आप इंडिविजुअल कंपनी वाइज भी डेटा ट्रैक कर सकते हो वो भी मैं बताऊंगा लेकिन मैं आपको बस कहना यह चाह रहा था कि बेसिक्स एक छोटा सा पॉइंट मैं उठाया देखा जाए तो थ्योरेटिकल पॉइंट है लेकिन ये थ्योरेटिकल पॉइंट थ्योरी नहीं है एक छोटा सा लाइन डोमेस्टिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं बस इसी के ऊपर बेस करके मैं आपको एक डेटा दिखाया कि मार्केट में अप एंड डाउन क्यों होता है और हमें क्या करना है बहती गंगा में हाथ धोना मतलब समझ रहे ये बहती गंगा में हाथ धोना मैंने क्या मैंने बेसिकली मार्केट को हम लोग डोमेस्टिक लोग ना हिला नहीं सकते इतना ज्यादा हम लोगों का कंट्रीब्यूशन मार्केट में बहुत ज्यादा नहीं होता पैसा तो बड़े बड़े कंपनीज के पास ही होते हैं या बड़े बड़े कंट्रीज के पास होते हैं तो ये लोग जो अचानक से पूरे इंडियन मार्केट में पैसा लगाते हैं तो इंडियन मार्केट में FII पैसा लगाएगा तो ऑटोमेटिकली इंडियन मार्केट में ग्रोथ बेसिकली बस चल रहा है एक खड़ा हुआ बस में चढ़ोगे तो वो धीरे धीरे चलेगा लेकिन एक बस जब रनिंग होता है उस बस में चलोगे तो बस जल्दी पहुंचेगा तो अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो वो रनिंग बस को पकड़ो खड़ा हुआ बस में भी चढ़ सकते हो कोई इश्यूज नहीं है टाइम लगे क्या समझ में आया कि नहीं है तो इसलिए मार्केट में कौन है किस कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हैं ये जानना जरूरी है और इनका डेटा ट्रैक करना भी जरूरी है कहाँ मिलेगा NSE की वेबसाइट्स में ट्रैक करना समझ में आ रहा है ना सर और बाकी ओवरऑल मार्केट को कौन देखता है सेबी मैंने बेसिकली सेबी का काम इतना है BSE ठीक ठाक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है NSE ठीक ठाक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है स्टॉक ब्रोकर जितने सारे हैं जैसे स्टॉक ब्रोकर अगर कभी किसी को धोखा देता है स्टॉक ब्रोकर कई बार पब्लिक का पैसा को अपना मान लेते हैं और अपना मान के कहीं प्रॉब्लम करते हैं किया है दो चार ऐसे स्कैंडल्स हुआ है
सर आप लोगों को डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन सेबी आजकल इतना स्ट्रांग हो गया है कि ब्रोकर अगर पैसा मार भी लेता है ना तो भाग नहीं सकता। एक कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग बोल के एक फार्म था, अनुराग स्टॉक ब्रोकिंग बोल के एक बॉम्बे बेस्ड एक फार्म था, कार्वी एक पुराना फार्म था, वो क्या किया था, पब्लिक का जो डीमैट अकाउंट उनके पास था उसी डीमैट अकाउंट को बैंक के पास मॉर्गेज रख के काफी लोन लिया था, लोन लेके अपना गेमिंग कंपनी बनाया था। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते विदाउट परमिशन, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये फ्रॉड किया था, उन्होंने पकड़ा गया, पकड़ा जाने के बाद कार्वी को ट्रेडिंग से ही बैन कर दिया। बहुत बड़ा फार्म था हैदराबाद बेस्ड। ऐसा आपको इसलिए आप लोग क्यों नहीं डरना चाहिए, क्योंकि किसी सर हम लोग के साथ अगर हो जाए तो नहीं होगा, अगर हो भी जाता है ना आपका पैसा मिल जाए, थोड़ा टाइम लग सकता है पर पैसा, मतलब डीमैट अकाउंट में जो भी है वो डीमैट अकाउंट का सारा पैसा आपको दे दिया जाए, थोड़ा टाइम लगेगा, प्रोसेसिंग में समय लगेगा, आजकल भाग नहीं सकते क्योंकि आजकल गवर्नमेंट बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो गया है। स्पेशली रिसेंट गवर्नमेंट आने के बाद घोटाला को तो बंद कर रहा है। अब इसमें आप बीजेपी, मेरे को बीजेपी प्यारा बोलो, जो बोलो बोलना है बोलो, मुझे दिक्कत नहीं। ये गवर्नमेंट फ्रॉड को बंद करने के लिए हर प्रयास कर रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, पीछे पड़ा हुआ है, धनंबरी लोगों का तो पूरा बैम्बू करके रखा है। तो अब ये जितना होगा अच्छा है, क्यों, क्योंकि ऐसा करने से लोगों का भरोसा बढ़ेगा, और भरोसा बढ़ेगा तो मार्केट सबका है बॉस वर्ड जो है ना वो सच्चा हो, ग्रो में बोलते हैं ना मार्केट सबका है बॉस, तो ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स ठीक से काम करें इसको देखने का ही काम है सेबी का। सेबी बेसिकली एक कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये ना तो पैसा लगाता है, ना तो पैसा इन्वेस्ट करता है, ना तो पैसा उठाता है, ऐसा कुछ भी नहीं करता, ये एक पैसा लेता है, ये जो हम लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं एक सेबी चार्जेस हम लोगों से लेता है, बहुत ही मिनिमम, आप कभी भी ब्रोकर चार्जेस का डिटेल्स दे उसमें सेबी चार्जेस नजर आएगा, ठीक है, तो डेली ट्रेडिंग में सेबी एक चार्जेस लेता है ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, लेकिन ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये बेसिकली कंट्रोलर है, तो इसलिए सेबी कब क्या स्टेप्स ले रहा है नहीं ले रहा है ये जानने का भी जरूरत होता है, इसलिए चीज यहाँ पर बोला है देखो कि पार्टिसिपेंट्स डोंट गेट इन्वॉल्व इन अनफेयर प्रैक्टिस, कॉर्पोरेट डोंट यूज मार्केट टू अनड्यूली बेनिफिट देमसेल्व्स, ठीक है, सत्यम कंप्यूटर्स बोल के कंपनी था ये बहुत गड़बड़ किया था, बताऊंगा नेक्स्ट दिन इसके बारे में, स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड, मैंने हम आप जैसे लोगों का जो मार्केट के प्रति इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्शन रहे, लार्ज इन्वेस्टर्स विद ह्यूज कैश शुड नॉट मैनिपुलेट द मार्केट, मैंने किसी के पास ज्यादा पैसा तो मार्केट को मैनिपुलेट करेगा ऐसा नहीं होने देगा, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मार्केट ये सेबी करता है, ये इसका मेन फंक्शन है। अगर कभी सेबी भी गड़बड़ करता है तब तो बहुत ही खराब बात है, किया था चित्र रामाकृष्णन बोल के सेबी का चेयरमैन था 2013 से लेकर 16 तक, पब्लिक का पैसा एनएसी का इंफॉर्मेशन मार्केट में बाहरी लोगों को सप्लाई कर रहा था, अभी जेल में सड़क है, चाहो तो गूगल करके जान सकते हो और डिटेल्स, क्या नाम बोला, चित्र रामाकृष्णन, लेडीज है काफी, सेबी का चेयरमैन था, ठीक है, बहुत बहुत बड़ा फ्रॉड किया था। जब उनको पूछा कि आप किसको इन्फॉर्मेशन देते थे, किसके कहने पे देते थे, बोलते हिमालयन योगी से, तो कौन है हिमालयन योगी, पता चला कि वो एक ऐसा डमी इंसान को ऑर्गेनाइजेशन पे काम पे रखा था जिसका ना तो नॉलेज है ना तो क्वालिफिकेशन है, और फिर उसके थ्रू से इन्फॉर्मेशन बाहर लीक करके लाखों करोड़ों कमा रहा था, और ये सब इन्फॉर्मेशन आप ऐसे किसी भी को लीक नहीं कर सकते, समझ रहे हो सर, तो इसलिए रेगुलेटर्स कौन है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन है ये जानना जरूरी है, इस मार्केट में आप अकेला खिलाड़ी नहीं हो, जैसे फुटबॉल या क्रिकेट एक टीम गेम की तरह है, यहाँ पर टीम गेम तो ये है नहीं सर, बट यहाँ पर और भी प्लेयर्स होते हैं, बात समझ रहे हो, तो प्लेयर को समझ के आपको करना चाहिए, ठीक है, आज का मेरा बेसिक का क्लास इतना ही है, कोशिश करूंगा कल भी एक बेसिक्स का ही क्लास देंगे, ठीक है, उसके बाद थर्सडे फ्राइडे हम लोग फ्यूचर पढ़ेंगे, ठीक है सर, समझ में आया सबको, कंटिन्यू करो सर, बेसिक्स कभी देखना निकल जाएगा और फिर हम लोग एकदम हार्डकोर ट्रेडिंग में आ जाएंगे, ठीक है सर, पूछिए फ्यूचर और ऑप्शन एक ही व्यापार कोर्स नहीं, दो जीनी साला था बट एक ही कोर्स है, ठीक है, कल के ऐसे देखो नंदन भाई, हाँ सर भाई ओके।